क्षतिपुंज अयाना का प्रणाम स्वीकार करते हुए कहता है, पुत्री तुमको जिस कारणवश धरती पर भेजा तब वो अब पूर्ण हुआ है। महाशक्तिशाली हीरा जिसमें पूरे ब्रह्मांड की आधी शक्तियां सम्मिलित थी वो अब से देवों के देव महादेव के सर पर सज चुका है। अब कोई भी भूरी शक्ति उस तक पहुंच नहीं पाएंगी। अब वो महाशक्तिशाली हीरा सदा के लिए, युगों युगों के लिए, आने वाले अनंत काल के लिए देवों के देव महादेव में विलीन हो चुका है। अब ये धरती सुरक्षित हो गई है। तुम्हारा कार्य पूरा हुआ पुत्री, तुम अपने दायित्व पर खरी उतरी हो। अब तुम्हारा धरती पर रहने का टाइम खत्म हुआ है। अब तुमको अपने घर अपनी के बीच वापस आना होगा। इस धरती पर संतुलन बनाए रखने हेतु तुम अब ये पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। तुम अब तक अपने जन्म के हेतु को जान चुकी होगी तो अब तुमको देवलोक के लिए प्रस्थान करना होगा। अयाना के कानों में जैसे ही उस शक्तिपुंज की आवाज पड़ती है और उस शक्तिपुंज के कहे अनुसार उसको अब वापस देवलोक के लिए प्रस्थान करना था, जिसे सुनकर ही अयाना के आंखों में पल भर के लिए कुछ आकर चला गया, जिसे उसने जल्दी ही अपने अंदर ही छुपा दिया। उसके दिल की धड़कन मानो एक पल के लिए थम से गई थी। अयाना अपने आप को संभल कर जल्दी ही अपने हाथ जोड़े हुए ही शक्तिपुंज की तरफ देखते हुए कहती है, प्रभु आप सही कह रहे हो, पर प्रभु अभी मैं आपके साथ नहीं आ सकती। अभी मैं देवलोक के लिए प्रस्थान नहीं कर सकती हूँ। अभी भी कुछ काम है जो अधूरा रह गया, उसे पूरा करना होगा। अभी भी वो सिक्स शैतान इस वक्त धरती पर मौजूद है और उन्हीं के साथ और एक शख्स है जिसके कारण मुझे दुभाता जन्म लेना पड़ा। अपने दायित्व को पूरा करने के लिए विलंब हुआ। उन सबको उनकी कर्मों की सजा मिलनी होगी। उसके बाद मैं खुद देवलोक आ जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर शक्तिपुंज उससे कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्री, देवलोक में हूँ, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। पर एक बात याद रखना पुत्री, तुम धरती पर ज्यादा दिन के लिए नहीं रह सकती हो। ये सब कल चक्र के विरुद्ध है। तुम कल चक्र में कोई बदलाव नहीं कर सकती हो। अगर गलती से भी ऐसा हुआ तो धरती पर प्रलय आने से कोई रोक नहीं सकता है। इतना कहकर दिव्य शक्तिपुंज कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और फिर अयाना से आगे कहता, गई अब तुम समझदार हो, तुमको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे जाने का टाइम हो गया है, अब मुझे जाना होगा। जल्द ही हमारी मुलाकात होगी देवलोक में। इतना कहकर वो दिव्य शक्तिपुंज वहां से गायब हो जाता है। उसी के साथ वो पवित्र महादेव का मंदिर भी फिर से हमेशा हमेशा के लिए धारी में विलीन हो जाता है। टाइम स्किप हो जाता है। अयाना इस वक्त मित्तल मेंशन के हॉल में खड़ी थी और उसके आगे इस वक्त नकली अखिलेश मित्तल यानी कि उसके दादू दादी डैड बड़े पापा बड़ी मामलव कुछ थे जो कि मुखवटा पहने हुए उसके सामने थे। अयाना उन सब की तरफ अपनी सर्द नजरों से देखती है। सर्द आवाज में कहती है, अब जबकि तुम सबको पता चल ही गया है कि मुझे तुम सबकी सच्चाई पता चल गई है, तो अब तुम लोगों को नहीं लगता कि अब तुम लोगों को अपने चेहरे के आगे ये नकली चेहरा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात उन सबके कानों में पड़ते ही सभी की आंखों में एक अनजाना सा डर दिखाई देने लगता है। उन सभी के माथे पर पसीने की बूंदे चमकने लगती है। सभी डर से कांपने लगते हैं। उनको अपने सामने अयाना के रूप में खुद की मौत दिखाई दे रही थी। हर्षवर्धन के वेश लिया हुआ कुलदीप अयाना के पैरों में झुकते कर खुद के लिए की माफी मांगने लगता है। वही बाकी सब भी कुलदीप के जैसे ही नीचे घुटनों पर बैठकर अयाना से माफी मांग रहे थे। अयाना को उन सबको ऐसे देखकर उन पर रत्ती बार भी डांटा नहीं आई थी। अब तक इन सबके चेहरे से मित्तल परिवार के लोगों के चेहरे का मुखवाद उतर गया था। अनाया के सामने उन सब का असली चेहरा था, जिसे देखकर अनाया को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई थी। अभी उसके सामने जो लोग थे ये वही थे जिन्होंने अयाना को धोखा दिया था। ये सभी लोग विक्रांत से मिले हुए थे। इन्हीं लोगों की मदद से विक्रांत राजावत ने अयाना की फैमिली को मौत के घाट उतारा था, क्योंकि वो सब उस धमाके में सही सलामत नच गए थे। पर वो सभी उसके सामने बैठे उस कुलदीप के हाथ लग गए, जिस ने दोस्ती के आड़ में छुपकर अपने दोस्त के ही पीठ में खंजर खोफ दिया था।
वो सब याद करके अयाना की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी, जिसे देखकर एक पल के लिए उसके सामने बैठे सभी लोगों डर गए थे। वो लोग उससे दूरी बनाकर घुटनों पर बैठ गए थे। अयाना के एक हाथ में उसकी घन थी, जिसे वो अपने हाथ में ही घुमाते हुए अपनी लाल आंखों से उन सबको देखते हुए अपनी सर्द और खतरनाक आवाज में कहती है, अब जैसे कि तुम सबको ना अपनी गलती का एहसास हो गया है कि तुम सबने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे परिवार को किडनैप करके खुद उनकी जगह लेकर मेरे साथ इतने दिन से रह रहे थे ना, तुम सबकी वजह से मेरा परिवार मरते मरते बचा है, और तुम सब मुझसे यूं घुटनों पर बैठकर दो बूंद आंसू बहाकर खुद को माफ करने के लिए कह रहे हो, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। उसकी बातें सुनकर कुलदीप के डैड डरते हुए अयाना से कहते हैं, बेटा तुम उसके लिए हमको जो भी सजा दो हमें मंजूर है, हम तुमसे वादा करते गई कि हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम सारे बुरे काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। उसने इतना ही कहा था कि हॉल में एक हंसी की आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर सभी अपने आप में ही सिमटने लगे थे। फ्रेंड्स, आप सब क्या लगता है कि अयाना अपने परिवार को छोड़कर, अपने प्यार को छोड़कर गणेशा हमेशा की लिए इस दुनिया से चली जाएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा कि अयाना और अयान हमेशा के लिए साथ होंगे और हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। अयाना की खतरनाक हंसी की आवाज सुनकर कुलदीप के साथ वहां मौजूद सभी डर के मारे खुद में ही सिमटने लगे थे। आज उन सबको इस बात का आभास हो गया था, या यूं कहे सबने आज साक्ष्य अपने सामने डेविल क्वीन की खतरनाक हंसी सुनी, तो उन सबको पता चला कि क्या सभी कहते थे कि डेविल की हंसी किसी शैतान से कम नहीं होती। इस बात को वो सब महसूस कर रहे थे, और अब उन सबको इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है, वो सब कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। अयाना उन सब की तरफ देखकर बिना किसी इमोशन के अपनी सर्द और डरावनी आवाज में कहती है, बस हो गया अब तुम लोगों का ये जो नाटक खत्म हो गया हो, तो अब मैं तुम सबको साफ साफ बता देती हूँ कि तुम लोगों ने आज तक जो भी काम किए उनकी कोई भी माफी नहीं, उसकी सिर्फ सजा है, और सजा भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि तुम लोगों की मौत है। अयाना की बातें सुनकर सभी डर गए थे। वही कुलदीप की मॉम जो अयाना के सामने ही बैठी थी, उसे अयाना से डर तो बेहद लग रहा था, पर उसको अभी मरना नहीं था। वो अपने पैरों में छुपाई हुआ छोटा सा चाकू निकलती है, जो बस दिखने में छोटा था, पर उस चाकू पर एक खास तरह का जहर लगाया गया था, जो एक बार किसी भी ईशान के शरीर में जाने के बाद अगले 4 घंटे के अंदर उस शख्स की मृत्यु निश्चित थी। कुलदीप की मॉम यानी कि नकली मालती मित्तल उस चाकू का अपने हाथ में टाइट पकड़ी हुई थी। वो जब अयाना का ध्यान अपने बेटे और पति और देखती है, तो वो चुपके से उस चाकू को बड़े ही सटीक तरीके से अयाना की ओर फेंकती है। अयाना जो कि अपनी बंदूक को कुलदीप की तरफ पॉइंट करे हुए थी और उसकी बकवास सुने जा रही थी, जिससे उसका हल्का सा ध्यान भटक गया था, और इसी मौके का फायदा नकली मालती मित्तल ने उठा लिया था। चाकू सीधे अयाना के हट के हल्का सा ऊपर लगाया था। चाकू ज्यादा गहरा तो नहीं लगा था, पर हल्का सा लग गया था, क्योंकि अयाना ने वक्त रहते ही चाकू जा पकड़ लिया था, पर हल्का चाकू उसके हट के ऊपर लगा था, जिससे हल्का सा खून निकल रहा था, जिसे अयाना इग्नोर कर लेती है। इस वक्त उसकी आंखें जो पहले से ही लाल थी, अब वो सुर्ख लाल हो गई थी, और इस वक्त वो किसी हैवान से कम नहीं लग रही थी। अयाना अपने हाथ में पकड़ा वो चाकू वैसे ही उल्टे हाथ से नकली मालती मित्तल की तरफ फेंकती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को भी सोचने समझने का या रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। चाकू सीधा नकली मालती मित्तल के हट पर जा लगा था, जिससे उनकी दर्दनाक चीख उस पूरे हॉल में गूंज उठती है, और उस चाकू पर जो खास तरह का जहर लगा था, वो जल्दी ही उनके बॉडी के अंदर फैलने लगा, और चाकू का हट पर लगने की वजह से उस जहर ने सबसे पहले अटैक उनके हट पर कर दिया, जिससे कुछ ही सेकंड में उनकी मौत हो गई। बाकी सब तो बस हैरानी से जो कुछ भी हुआ वो देखते ही रह गए। अयाना अपनी जगह से खड़ी होकर मालती मित्तल की तरफ अपनी खतरनाक आंखें से देखती हुई कहती है, शायद तुमको मारने की ज्यादा ही जल्दी थी।
इतना कहकर वो बाकी सब की तरफ देखकर कहती गई, मैं तुम लोगों को बड़ी ही आसान मौत देना चाहती थी, पर तुम लोगों को वो रस नहीं आई तो ठीक है, अब देखो तुम लोगों को कैसे तड़पा तड़पा के मारूंगी। आज तुम सबको डेविल क्वीन के टॉर्चर को अपनी आंखों से देखेंगे और महसूस भी करेंगे। इतना कहकर अयाना दो बार क्लैप करती है। उसके ऐसा करते ही हाल में कुछ बॉडीगार्ड आते हैं जो कि ब्लैक यूनिफॉर्म में थे और उनके कपड़े पर डेविल क्वीन का लोगो लगा हुआ था। अयाना उन सब की तरफ देखकर कहती है, इन सबको उठाओ और हेल हाउस में लेके चलो, मैं कुछ ही देर में आती हूँ, ध्यान रखना इनका, अच्छी सी खातिरदारी होनी चाहिए मेरे आने तक, पर ये सभी जिंदा होने चाहिए। उसकी बात सुनकर वो सभी अपना सर झुकाकर अयाना से कहते हैं, जैसा आप चाहे क्वीन वैसा ही होगा। इतना कहकर वो सभी उन सबको उठाकर मित्तल मेंशन के बाहर जाने लगते हैं। कुलदीप और उसके साथ बाकी सभी खुद को छुड़ाने की भीख मांग रहे थे पर उन पर किसी को ध्यान नहीं आई। अयाना मित्तल मेंशन से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ जाती है और कार को शहर के बाहर लेने का कहती है। उसका ध्यान अपने हट के ऊपर चाकू से लगी हुई चोट पर जाता है जहां पर खूब बह रहा था, जिससे उसके शर्ट खून से लाल हो गया था, जिसे देखकर अयाना के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर में अयाना की कार शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर आकर रुकती है। उसके सामने दो मंजिला मकान था जिसके बाहर टाइट सिक्योरिटी थी। अयाना अपनी कार से निकलकर सीधा उस मकान के अंदर एंटर करती है। हॉल में उसी की मुलाकात अरब से होती है। अब तक तो आप समझ ही चुके होने की इस वक्त अयाना कहां पर है। अरब अयाना को देखकर सोफे से खड़े हो जाता है और अयाना को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, क्वीन आपने जैसा कहा था सब वैसा ही हुआ है। वो पांच लोग इस वक्त हमारे कब्जे में है और वो आरुषि राजावत तो पहले ही अपने कब्जे में है, अब आगे क्या करना है। अरब की बात सुनकर अयाना उसकी तरफ देखकर इसको डेविल स्माइल पास कर देती है, जिससे एक बार के लिए तो अरब भी डर जाता है क्योंकि वो अयाना के डेविल स्माइल करने जा मतलब अच्छे से समझ रहा था। आखिर इतने साल तक डेविल क्वीन के साथ काम करने से उसे उसके डेविल स्माइल का मतलब अच्छे से पता चल गया था। कहीं ना कहीं आज अरब अंदर से बेहद खुश था क्योंकि आज उसका बदला पूरा होने वाला था। आरुषि राजावत ने जो उसके साथ किया था, जिससे उसको अपनी फैमिली को खोना पड़ा था और न जाने कितने ही लोगों ने अपने परिवार को आरुषि राजावत की वजह से खोया होगा, और आगे भी अगर वो जिंदा बची तो न जाने कितने ही मासूम लोगों की जान जाने वाली थी। वो आरुषि राजावत को खुद अपने हाथों से मारना चाहता था और शायद आज उसकी ये चाहत पूरी होने वाली थी। अयाना अरब के साथ उस घर के बेसमेंट में चली जाती है जहां इस वक्त अंधेरा ही अंधेरा था, आगे का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उस बेसमेंट की लाइट ऑन हो जाती है और बेसमेंट में उजाला ही उजाला हो जाता है, और बेसमेंट के अंदर का जो सीन था उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। पर इस वक्त अरब और अयाना बिना किसी इमोशन के वहां पर खड़े थे। इस वक्त बेसमेंट का माहौल बेहद ही डरावना था। बेसमेंट में आरुषि की मस्त करने आते उन पांचों को जंजीरों से बंधा गया था। साथ में उन पांचों को बेहद ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, जिसका पता उनकी हालत देख कर ही आसानी लगाया जा सकता था। उन पांचों के शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे और उनमें से खून भी निकल रहा था। उन पांचों की हालत बेहद ही खराब थी। अयाना उन पांचों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके साथ अरब भी था और उस बेसमेंट में पहले से अयाना के दो गार्ड थे। अयाना उन दोनों को कुछ इशारा करती है। उसका इशारा समझकर ही दोनों गार्ड उन पांचों के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे वो सभी हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल देते गई तो उनको अपने सामने अयाना और अरब दिखाई देते हैं। उनमें से एक अरब की तरफ देखकर कहता है, हमसे गलती हो गई, हम फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, प्लीज हम सबको छोड़ दो, उस आरुषि राजावत के साथ तुम लोग जो करना चाहे कर सकते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम ये से चेक जाएंगे, प्लीज हम सबको छोड़ दो। उनकी बातें सुनकर अयाना के चेहरे पर डेविल स्माइल आती है। वही अरब उन सब की तरफ देखकर कहता है, सी क्या
मेरे चेहरे पर पागल लिखा है क्या को मैं तुम सबको यूं ही छोड़ दूं और ये सब जो भी खेल हमने खेला है ना, वो बस तुम पांचों को अपनी भील से बाहर निकलने को खेला था और अब जब तुम हमारे सामने हो तो हम तुम सबको इतनी आसानी से छोड़ दे, आज तुम सबको तुम सबके कर्मों की सजा मिलेगी। अरब की बातें सुनकर उन पांचों के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अब उन दोनों को अंदर से बेहद डर लगने लगा था और कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। अयाना उन सब की तरफ एक नजर देखती है और फिर अरब की तरफ देखकर कहती है, अरब अब जब तुमने इतना सब कर हो दिया है तो अब इनको नर्क के दर्शन भी तुम दे ही दो। वैसे भी अब इनका धरती पर से टाइम खत्म हुआ है और वैसे भी उन लोगों के कर्मों का गड़ा भी भर चुका है। अयाना की बातें जैसे ही उन पांचों के कान में पड़ती है वैसे ही उनके शरीर में एक अजीब से डर की लहर उठती है। उन लोगों ने अयाना पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था पर अब जब उसकी आवाज उनके कान में पड़ी थी तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और उसको देखकर उन सब का डर के मारे हाल बेहद खराब था। अयाना उनके चेहरे पर आया हुआ डर देखकर मुस्कुराने लगती है। वही अरब अपनी बॉस की बात सुनकर हाँ मैं सर हिलाता है और उन पांचों की तरफ देखकर कहता है, अब तो डेविल क्वीन ने भी तुम लोगों की मौत पर मोहर लगा दी है तो अब तुम सबको मरना ही होगा। इतना कहकर अरब डेविल स्माइल करते हुए वहां खड़े एक गार्ड को कुछ इशारा करता है तो वो गार्ड अरब का इशारा समझकर अरब के हाथ में एक तेज धार वाला चाकू रख देता है। अरब उस चाकू को देखकर स्माइल करता है। वही अयाना वहीं पर रखी चेयर और किसी रानी की तरह बैठ जाती है और अपने सामने हो रहे शो को एंजॉय करने लगती है। अरब ने उन पांचों के हाथ के दिए थे उन सब की दर्दनाक चीखें उस रूम में गूंज रही थी जिसे सुनकर अरब को बेहद सुकून मिल रहा था। उस रूम का माहौल बेहद ही डरावना और दर्दनाक था। पूरे रूम में खून ही खून दिख रहा था। अरब उन पांचों की दर्दनाक चीखें सुनकर कहता है, क्या हुआ, दर्द हो रहा है ना? ऐसा ही दर्द उन लोगों को भी होता है जिन लोगों को तुम अपने मतलब के लिए अफाइज कर देते हो और उनसे भीख मंगवाकर उन पैसों पर मौज करते हो। इतना ही नहीं, तुम लोग तो जिंदा इंसानों की ऑर्गन निकलकर उनको बेचते हो। यही नहीं और भी कितने तुम लोगों को काले धंधे हैं जिसके कारण कितने ही मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अरब की आवाज में और बातों में एक अजीब सा दर्द था। अरब की फैमिली भी तो इन लोगों के काले धंधों के हाथों चद गई थी। वही उस रूम में मौजूद किसी भी शख्स को उन पांचों पर रत्ती बार भी दया या उनसे सहानुभूति नहीं हुई क्योंकि सबको उन पांच लोगों के कारनामों के बारे में अच्छे से पता था। अयाना अरब से कहती है, अरब इनके लिए बस इतनी ही सजा काफी नहीं है, इन सबके ऊपर एसिड डाल दो जिससे ये सभी दर्द से तड़प तड़प के मरे। अरब अयाना की बातें सुनकर ठीक वैसा ही किया। उन सबको बड़े से कांच के कंटेनर में डाला गया था। वो सभी दर्द से तड़प रहे थे, खुद को छुड़ाने की भीख मांग रहे थे पर उन पर किसी को भी दया नहीं आई। कुछ ही सेकंड बाद उस कांच के कंटेनर में एसिड डाला गया था को उन पांच लोगों के शरीर पर पड़ते ही जलन के मारे उनकी दर्दनाक चीखे गुजने लगती है। एसिड की वजह से उनका शरीर गलने लगा था। अगले 15 मिनट के बाद उन पांचों की सांस थम गई थी। आरुषि का कमरा। इस वक्त अरब और अनाया आरुषि राजावत को जिस जगह कैद करके रखा था उस कमरे में थे। आरुषि को चेयर से बंद दिया गया था और अभी अभी बेसमेंट में जो भी हुआ उन सब की लाइव फुटेज आरुषि ने देख ली थी जिसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई थी। वो बेहद डर गई थी। उसकी तरफ देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वो आरुषि राजावत है जिसे ड्रैगन क्वीन थी जो लोगों को बेदर्दी से मारती थी। आज वो अपने सामने अपने आदमियों के बेदर्दी से मारते देखकर अंदर तक सिहर गई थी। डर के मारे उसका पूरा चेहरा पसीने से भर गया था। आरुषि जब अपने रूम में अरब और अयाना को देखती है तो एक पल के लिए अरब के देखकर डर गई थी और जब उसकी नजरें अरब के साथ आई अयाना पर गई तो उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत ने जगह ले ली थी। वो अयाना की तरफ देख कर कहती है, वो तो तुम आ ही गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको किडनैप करने की? हा, इन सब के पीछे
तुम्हारा ही हाथ था न पहले तो तुम्हारी वजह से मेरे डैड को कितना नुकसान सहना पड़ा। तुमने उनके नाक में दम करके रखा था और फिर चली गई थी ना बागुड़े की तरफ अपना मुंह छुपाकर, तो वापस क्यों आई हो? और तुमने मुझे किडनैप करके अच्छा नहीं किया, ऊपर से तुमने मेरे आदमियों को मारकर तो सबसे बड़ी गलती कर दी है। एक बार बस मैं यहाँ से आजाद हो जाओ, उसके बाद तुमको तुम्हारी औकात दी तो फिर मेरा नाम भी आरुषि राजावत नहीं। अयाना को आरुषि की बकवास बातें सुनकर रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानती थी लोगों को जब मौत आती है तो वो ऐसे ही पागलों की तरह बड़बड़ाते रहते हैं। अरब को आरुषि की बातें सुनकर उसके ऊपर बेहद गुस्सा आ जाता है। वो आरुषि को कस के चाटा मार देता है जिससे आरुषि का सिर एक तरफ झुक जाता है। चाटा इतना जोर से मारा था कि आरुषि के गले पर अरब की 5 उंगलियां छप गई थी। यही नहीं बल्कि इसके मुंह से खून निकल गया था। अरब इतने से ही नहीं रुका, उसने आरुषि का चेहरा अपनी तरफ करके उसके जबड़े को कस के पकड़ते हुए उसकी आंखें में देखते हुए कहता है, जबान संभाल कर बात करूं, मैं अपनी बॉस के लिए कुछ भी अनाफ संफ नहीं सुनने वाला, वो मेरे लिए किसी बागवान से कम नहीं है। आज मैं जो भी हो वो सब उसकी बाजे से ही हूँ, नहीं तो तुमने और तुम्हारे उस बाप ने मुझे लगभग मर ही दिया था। आरुषि अरब की आवाज सुनकर और उसकी गुस्से से को हो चुकी आंखें देखकर अंदर से बेहद सारी हुई थी, और उसने अभी अरब को उन 5 को इतनी बेरहमी से मारते देखा था जिससे उसको अरब से बेहद डर लग रहा था। डर के मारे उसके मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। अयाना अरब से कहती है, कोई बात नहीं अरब, मुझे इसकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, वैसे भी इसकी जैसे लोगों की बात से कभी किसी को बुरा लग सकता है क्या? अरब अयाना की बात से शांत हो जाता है। आरुषि के मुंह से अपना हाथ हटाकर वो उससे कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। अयाना एक नजर आरुषि को देखती है जो कि अरब से बेहद डरी हुई थी। उसे ऐसा देखकर अयाना के चेहरे और हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो अरब की तरफ देखकर कहती है, अरब तुमने सब अरेंजमेंट कर दी क्या? अयाना की बात सुनकर अरब हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, यस बॉस, सारी अरेंजमेंट हो गई है। उसकी बात सुनकर अयाना एक नजर आरुषि को देखती है और फिर अरब की तरफ देखकर कहती है, तो अब तुमको पता ही है इसके साथ क्या करना है। इसको आसानी से मरने मत देना, इसको अपने सभी किए गिने गुनाह के लिए पछतावा होना चाहिए। उसने जो सब उन मासूम लड़कियों के साथ किया है उसको उसकी सजा देना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्यों कि ये सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं तुम्हारी गुनेगार है, इसलिए मैं उसको तुम्हारे हवाले करती हूँ, नहीं तो इसको मैं खुद ही अपने हाथों से सजा दिलाती। वही अयाना की बातें सुनकर आरुषि अयाना के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है, नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे इसके साथ मत छोड़ो, तुमको मुझे को भी सजा देनी है, दे दो पर अरब के हवाले मत करो। आरुषि को अरब की हैवनेत देखकर उससे बेहद डर लग रहा था। अगर उसको अब मरना ही है तो भी वो अरब के हाथों नहीं मरना चाहती थी, इसलिए वो अयाना से उसे अरब के हवाले ना करने को कह रही थी। पर अयाना उसकी बात को नजरअंदाज करके उसको एक डेविल स्माइल करके वहां से अरब को सब समझकर अपने अगले टारगेट की तरफ चल पड़ती है। अयाना आरुषि को अरब के हवाले करके वहां से चली जाती है, क्योंकि वो अच्छे तरह से जानती थी कि आरुषि राजावत अरब की सबसे बड़ी गुनेगार थी, क्योंकि उसी की वजह से उसी अपनी पूरी फैमिली को दिया था। अयाना उस जगह से निकलकर सीधा अपने सीक्रेट बेस पर आ गई थी जहां पर इस वक्त कुलदीप और उसकी फैमिली थी। कुछ ही समय बाद अयाना अपने सीक्रेट बार के अंदर थी और उसके ठीक सामने कुलदीप और उसकी फैमिली थी। उन सब की हालत बेहद बुरी थी, उन सबको बेहद बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। जब वो सब अयाना को अपने सामने देखते हैं तो वो उसके आगे गिड़गुड़ाकर खुद को छोड़ने की भीख मांग रहे थे, और अयाना को उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अब वो इस बात को जानती थी कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। उसे जल्द से जल्द बुराई को खत्म करके वापस देवलोक लौटना था, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अयाना अपने सामने बेहद बुरी हालत में दिख रहे कुलदीप और उसकी फैमिली पर एक नजर डालता है और अपनी सर्द
आवाज में उनसे कहती है, ये मेरे सामने गिड़गिड़ाना बंद करो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम सब का धरती पर का टाइम खत्म हो गया है। अब तुम सबको अपने पापों का फल मिलना जरूरी है, नहीं तो तुम लोगों को माफ करके फिर से ऐसा ही चौदा गया तो तुम सब फिर से वही बुरे काम करने लगोगे, क्योंकि तुम लोगों को अपनी गलती सुधारने का एक नहीं बल्कि तीन मौके मिल चुके हैं। उसके बाद भी अगर तुम सुधरने जा नाम नहीं के रहे हो तो अब क्या ही कर सकते हैं। अब बस तुम लोगों अपने पापों की सजा भुगतो और वो तुम लोगों की मौत है। इतना कहकर अयाना अपने गार्ड के हाथ से गन लेकर कुलदीप के साथ सबके ऊपर गोली चला दी देती है। उसका निशाना इतना सटीक था कि गोली हर के माथे की बीचों बीच लगी थी। इसी के साथ कुलदीप के परिवार का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अरब ने भी आरुषि को उसके पापों की सजा दे दी थी। अयाना अपने गार्ड को उन सबको ठिकाने लगाने का कहकर सीक्रेट बेस काली पहाड़ी की तरफ निकलती है। कहां पर इस वक्त विक्रांत राजावत, कालकेय जॉन, महेश मेहरा और उसके साथ काली खुद अपने ही शक्तियों में उलझकर कैद हो गए थे। कुछ ही समय अयाना उन सब के सामने थी। वो सबको की अपनी शक्तियों के कैद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो सब जब अपने सामने अयाना को देखते हैं तो उन सब की आंखों में एक अलग सा ही गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अयाना को अपने सामने देखकर वो लोग इतना तो समझ गए थे इस बार फिर उनकी 1000 सालों की मेहनत बर्बाद हो गई थी। और अब तो वो सब जिस शक्ति को हासिल करना चाहते थे अब तो वो उस शक्ति को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो शक्ति जिसकी अमानत थी वो उसके इस वापस जा चुकी थी। कलकेय जब अयाना को अपने सामने देखता है तो वो अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखें से उसकी तरफ देखकर कहता है, अब ये पर क्या आई हो, ये सब तुम्हारी ही चल थी, तुमने ही हम सबको खुद के ही शक्तियों में कैद कर लिया था जिससे हम उस महाशक्तिशाली हीरे तक न पहुंचे। उसकी बात सुनकर अयाना डेविल स्माइल करते हुए उससे कहती है, अब जब तुमको इतना सब पता चल ही गया है तो अब कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं है। सीधे शेद कहा जाए तो तुम पांचों जिस केयरधारी पर आए हो अब वो तो रहा नहीं, वो अपने असली मालिक के पास सही सलामत पहुंच गया है जहां पर तुम कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। और अब तुम लोगों का ब्राह्मण की आदि शक्ति यानी वो महाशक्तिशाली दिव्य हीरा हासिल करने के ख्वाब पर पानी फिर चुका है तो अब तुम लोगों को धारी पर तो कुछ मिलने से रहा, तो अब मुझे ऐसा लगता है अब तुम दोनों को वापस अपने अपने लोग चले जाना चाहिए। धरती पर रहकर तुम लोग अब धरती के जनजीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, इसलिए मैं तुम लोगों को अब धरती को छोड़कर जाना होगा। अयाना की बातें सुनकर विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उससे कहता है, हम नहीं जाएंगे धरती से, तुम होती कौन हो हमको जाने को कहने वाली, हम धरती पर से हरगिज नहीं जाने वाले। उसने बस इतना ही कहा था कि उसको एक तेज बिजली का जाता लगा जिससे वो दूर जाकर उस गुफा के दीवार से टकरा गया था जिससे उसके पीठ पर काफी गहरी चोटें आई थी जिससे उसकी दर्द से चीख निकल गई। वही बाकी सब भी उसकी हालत देख रहे थे, उनको भी अब थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि उनकी सारी शक्तियां उस वक्त काम नहीं कर रही थी। इस वक्त वो अयाना से जीत नहीं सकते थे। अयाना एक बार विक्रांत के तरफ देखती जो कि दर्द से बिलख रहा था और फिर बाकी लोगों की तरफ देखती है, तुम सबका क्या कहना, तुम धरती से जाने वाले हो या नहीं, या फिर तुम सबकी वो हालत कर दू कि तुम ना घर के रहोगे और न घाट के, तुम लोगों को न अपनी दुनिया में जगह मिलेगी और न ही धरती पर बीच में कई पतंग की तरफ फड़फड़ते रहोगे। अयाना की बात सुनकर उन सब की आंखें लाल हो गई थी, उन लोगों का गुस्सा भी अपनी सारी हदें पार कर चुका था। महेश मेहरा, जॉन, काली और कालकेय अपनी बची कुची शक्तियों को एकत्रित करके अपने आप को उस कैद से छुड़ाकर अयाना के ऊपर हमला करने को बढ़ते हैं। अयाना उन सबको शक्तियों को माया जाल से निकल कर खुद की तरफ हमला करने को बढ़ते देख कर खुद से ही कहती है, लातों के बुत बातों से नहीं मानते इन लोगों को, अब इनकी औकत दिखानी ही पड़ेगी और साथ में इस बात का भी एहसास कर्म होगा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा
इतना कहकर अयाना अपने चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल लेकर उन सबको खुद के पास आए हुए देख रही थी। वही दूसरी तरफ व्हाइट मेंशन में पूरी मित्तल फैमिली हॉल में बैठी थी। सबके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। सब अयाना के आने का वेट कर रहे थे। सबके अंदर एक अनजाने से डर ने घर कर लिया था। उन सबको अयाना को खोने का डर सता रहा था। पता नहीं पर क्यों उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई है को उन सबकी प्रिंसेस को उनसे छीन ना चाहता है। वही अयान का भी हाल कुछ अलग नहीं था। आज उसको कुछ अलग सी ही बेचैनी हो रही थी। किसी अपने को खोने का डर लग रहा था उसको। दादी दादू के पास बैठी थी। दादी दादू का हाथ पकड़कर उनसे कहती है, सुनिए ना, पता लगाइए ना प्रिंसेस अब तक आई क्यों नहीं। काफी देर हो गई है, मुझे बेहद डर लग रहा है। आप ना कुछ भी करिए पर मेरी पोती को मेरे सामने लाइए। पता नहीं पर आज एक अजीब सा डर लग रहा है। अपनी वाइफ की बातें सुनकर अखिलेश मित्तल उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर उनको दिलासा देते हुए कहती है, मालती तुम ज्यादा चिंता मत करो, हमारी प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा। और आपको पता है ना, उसने वादा किया था कि वो सही सलामत हमारे सामने आएगी, तो हम सबको उसका वेट करना होगा। आपको पता है ना, हम उसके पास नहीं जा सकते या उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कर सकते हैं। पर तुम चिंता मत करो, देखना हमारी प्रिंसेस अपना वादा निभाएगी और जरूर हमारे पास वापस आएगी। आप तो अच्छे तरह से जानते हो ना, प्रिंसेस अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती, हर हाल में अपना प्रॉमिस पूरा करती है। आप परेशान मत हो और भगवान पर भरोसा रखो, सब सही होगा। मल्टी मित्तल यानी कि अयाना की दादी अपने पति की बात सुनकर उनको थोड़ी राहत मिलती है। वहीं उनके सामने सोफे पर बैठे हर्षवर्धन मित्तल को भी अपनी बेटी की बेहद फिक्र हो रही थी। उनको भी अपनी बेटी को देना का अनजाना सा डर लग रहा था। उनके पास बैठे उनके बड़े भाई देवराज मित्तल अपने छोटे भाई को परेशान देखकर उनके हाथ में अपना हाथ रखकर उनसे कहते हैं, हर्ष चिंता मत करो, प्रिंसेस जल्द ही सही सलामत हमारे पास आएगी। अपने भाई की बात सुनकर हर्षवर्धन उनकी तरफ आस बारी नजर से देखते हुए कहते हैं, भाई आप सच कह रहे हो ना, उसको कुछ नहीं होगा, ना वो सही सलामत हमारे पास आ जाएगी। ना पता नहीं क्यों पर आज उसको खोने का डर लग रहा था। देवराज मित्तल अपने भाई की हालत आसानी से समझ सकते थे। वो उनको दिलासा देते हुए कहते हैं, हाँ तुम देखना, अभी कुछ देर बाद हमारी प्रिंसेस हस्ती खेलती हमारे सामने होगी। देवराज मित्तल ने अपने छोटे भाई को तो दिलासा दे दिया था, पर उनको भी डर लग रहा था। जब से इन सब ने महागुरु की बातें सुनी थी, तब से उन सबको अयाना जा खोने का डर लग रहा था। वही दूसरी तरफ अयाना इस वक्त अपनी पूरी शक्तियों के साथ कालकेय और उसके तीन साथी यानी कि जॉन काली और महेश मेहरा के साथ फाइट कर रही थी। कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी बीच की फाइट बराबरी की तो नहीं कह सकते, क्योंकि अयाना अकेली ही उन चारों से लड़ रही थी। उन चारों की शक्तियां आधी हो गई थी, पर उन चारों कि पूरी शक्तियां मिलाकर वो अयाना को आसानी से टक्कर दे रहे थे। कभी अयाना उन सब पर बारी पड़ती तो कभी वो सभी। विक्रांत जिसकी हालत इस वक्त बेहद खराब थे, जो कि कुछ ही दूरी पर बैठा अपने दर्द को बर्दाश्त कर हुए अयाना और अपने साथियों के बीच हो रही फाइट देख रहा था। जब वो अयाना की अपने साथियों पर बारी पड़ते हुए देखता है, तो वो अपने दर्द को कंट्रोल करके अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपनी काली शक्तियों से बना हुआ एक शक्ति का गोला अयाना की तरफ फेंकता है। अयाना को उस पर ध्यान ही नहीं था, वो बस अपने सामने के चारों से लड़ रही थी। उसका ध्यान विक्रांत पर नहीं गया था। जब उसको अपने पास आती हुई काली शक्तियों को आभास हुआ, तब तक देर हो चुकी थी। अयाना जो कि कालकेय काली जॉन और महेश मेहरा के साथ लड़ रही थी, जिसमें उसकी पकड़ उन पर मजबूत थी, तभी अयाना को अपने खुद के पास आती काली शक्तियों का आभास हो जाता है। वो कालकेय और बाकी तीनों को एक ही बार मैं जमीन पर गिरा देती है और पीछे से खुद की तरफ आ रही काली शक्ति का सामने करने के लिए जैसे ही पलटती है, वैसे ही वो शक्ति अयाना के ऊपर वार कर देती है, जिससे अयाना दूर जाकर गिरती है। वो वार इतना खतरनाक
था कि अयाना उसने बेहद घायल हो जाती है। उसके सर से पानी की तरह खून निकल रहा था, साथ में उसके शरीर पर भी अनगिनत चोटों के निशान थे। वही अयाना का घायल होता देख विक्रम राजावत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही अयाना कुछ ही देर में अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके उठ खड़ी होती है और जिसने वार किया था उसकी तरफ देखती है तो उसको विक्रांत उसकी तरफ ही मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। जिसे देखकर अयाना उसकी तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में उससे कहती है, काया पीछे से वार करता है, बुजदिल कहीं का हिम्मत है तो सामने आकर लड़ना था ना, पर तुमने मेरे पीठ में वार करके बेहद बड़ी गलती कर दी, उसकी सजा तो तुमको भुगतने पड़ेगी। मैंने सोचा था तुम को नहीं मारूंगी पहले, पर अब लगता है धरती ओर से तो पहले तुम्हारा ही टिकट कटेगा, वो भी सीधे नर्क का, क्योंकि अब तुम लोगों को अपने लोक में जगह तो नहीं मिलने वाली। इतना कहकर वो देबुले स्माइल करने लगती है और धीरे धीरे विक्रांत की तरफ बढ़ने लगती है। विक्रांत के चेहरे और जो थोड़ी देर पहले बड़ी सी मुस्कान थी वो अब अयाना की बातें सुनकर कहीं गायें जो गई थी ऊपर से। अयाना की वो डेंजरस स्माइल देखकर उसके रोगंटे खड़े हो गए थे और उसको खुद की तरफ बढ़ता देखकर उसको साक्षात अपनी मौत अपने सामने दिख रही थी। अब कहीं ना कहीं उसको इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों उस पर वार किया। अब तो उसके पास उसकी शक्तियां भी नहीं बची थी, उसने अपने सारी शक्तियां अयाना पर वार करने में लगा दी थी। कुछ ही समय में अयाना विक्रांत से दो कदम की दूरी थी। इस वक्त अयाना की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, सर से लेकर वो पैरों तक खून से नहाई हुई थी, जिसने उसका खुद का खून भी स्माइल था। अयाना एक जाती साथ विक्रांत को उसके गले से पकड़कर खड़ा करती है और उसको ऊपर उठा लेती और विक्रांत के फेक पर अपनी पकड़ कस देती है। उसके ऐसा करते ही विक्रांत को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो अयाना का हाथ अपने गले से छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अयाना ने उसके विकृत उसके गले पर अपनी पकड़ और जस दी। इस वक्त अयाना किसी राक्षस से कम नहीं लग रही थी, इस बजट उसकी पूरी आंखें लाल थी और ऊपर से उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था, जिससे उसको और भी खतरनाक बना रहा था। अयाना विक्रांत का चेहरा अपने सामने करके कहती है, पीछे से वार करने का बेहद शौक है ना, तुमको तो अब मरो, वैसे भी तुमने जब से इस धरती और जन्म लिया है तब से मासूम लोगों की हत्या की है ना, और न जाने कैसे कैसे गलत काम किए हैं, जिस ना जाने कितने ही मासूम लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी, पर अब बस हो गया, अब तुमको इस धरती से जाना होगा और ये शुभ काम में विक्रांत के गले पर पकड़ कसते हुए कहती है, अपनी इन्हीं हाथों से करूंगी, तुम जैसे पापियों को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। वैसे भी इतिहास गवाह है, जब जब धरती पर पाप बढ़ने लगता है तब तब धरती पर कोई ना कोई मसीहा आकर उन पापियों का विनाश करता है। इतना कहकर अयाना बिना कोई वक्त गवाए एक जायके में विक्रांत का गला जोर से दबाती है, जिससे दम घुटने के कारण विक्रांत की मौत हो जाती है। अयाना को जब यकीन होता है विक्रांत मर गया है तब वो उसका गला छोड़ देती है। विक्रांत बेजान सा नीचे गिर जाता है, उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया था। वही विक्रांत को खत्म करने के बाद अयाना पीछे मुड़ती है और बचे हुए उन चारों की तरफ बढ़ने लगती है को पहले से ही अधमारी हालत में थे और अभी अपने सामने अयाना के विक्रांत को बेरहमी से मारते देख उन सबकी हालत बेहद खराब हो गई। यही अब उनके अंदर अयाना से लड़ने की शक्ति नहीं बची थी, अब उनको अपनी मौत अयाना के रूप में उनकी तरफ आती हुई दिख रही थी और वो चारों ही खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। अयाना कुछ ही सेकंड में उन चारों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी हालत भी अब काफी खराब हो गई थी, पहले ही उसके हट के ऊपर वो जहरीला चाकू लगा था, जो को हल्का सा ही लगा था पर उसका जहर धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गया था, खासकर उसके हट पर। उसको भी पता चल गया था कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती और उस पर से विक्रांत ने किए हुए वार से उसकी हालात और खराब हो गई थी। अयाना जल्द से जल्द बचे हुए इन चार पापियों को उनके पापों की सजा देकर अपना वादा निभाने के लिए अपने फैमिली के पास जाना चाहती थी।
उसी बाद उसकी सेस रुक भी जाती है तो उसको कोई गम नहीं था क्योंकि यही विधि का विधान था जिसे कोई नहीं बदल सकता था। हर एक की मौत उसके जन्म के साथ ही लिखी हुई होती है। इस धरती पर कोई भी अमर नहीं था। जिसने भी धरती पर जन्म लिया था उसकी मौत एक निश्चित समय के बाद तय थी। अयाना का तो जन्म ही धरती पर एक खास लक्ष्य को लेकर हुआ था। उसको महादेव की धरोहर ब्रह्मांड की आदि शक्ति जिसमें सम्मिलित है उस दिव्य तेजस्वी महाशक्तिशाली हीरे की रक्षा करनी थी। उसको फिर से सदा सदा के लिए अनंत काल के लिए महादेव के सानिध्य में लाना था जिससे सृष्टि का कल्याण हो। और ये लक्ष्य अब पूरा हो गया था तो अब अयाना को अपने देह को छोड़कर धरती से जाना ही था। अयाना के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था जिससे वो भली बाती अवगत थी। इसलिए अयाना अपनी जो भी बची कुछ शक्ति थी इसके इस्तेमाल से कालकेय जॉन महेश मेहरा और काली के ऊपर प्रहार करती है जिससे उन सब की मौत हो जाती है। उसके बाद अयाना उस पूरे गुफा में पेट्रोल छिड़कर उसने आग लगा देती है जिससे वो पूरी गुफा और उसके साथ ही उसके अंदर के पांचों पापी जलने लगते हैं। अनया ने पापियों का अंत कर दिया था और एक नए कल का प्रारंभ किया था। अयाना उस गुफा से दूरी खड़ी होकर अपने सामने आग के लिपटों में जल रही गुफा को देख रही थी। कुछ ही समय में अयाना के सामने बस राख बची थी जिसे देखकर अयाना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कराहट थी। आज उसने खुद से किया हुआ वादा पूरा किया था। इन पांच पापियों के मौत के साथ उसका बदला पूरा हो गया था। इन्हीं पांच लोगों की कारण उसको दूसरा जन्म लेना पड़ा था। आज उसने उन सभी का अंत किया था। उसी ये साथ अपने जन्म के लक्ष्य को भी पूरा किया था। अयाना एक नजर उस रख को देखती है और अगले ही पल अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए हुए वहां से हवा के जोखे की तहत गायब हो जाती है। व्हाइट हाउस मित्तल परिवार बेसब्री से अपनी प्रिंसेस का आने का वेट कर रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं उनको इस बात का अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गलत होने वाला है। उन सबको बस अपनी प्रिंसेस को अपने सामने सही सलामत देखना था। सभी की नजर व्हाइट हाउस के मेन डोर पर थी। तभी व्हाइट हाउस का मेन डोर खुलता है और डोर से अयाना अंदर आते हुए दिखती है। सबकी नजर जब उसकी तरफ जाती है तो अयाना को खून से लथपथ देखकर उन सबकी जन हलक में आ जाती है। सभी अपनी जगह जान गए थे। कोई कुछ रिएक्ट करने के हालत में ही नहीं था। अयाना अयान को सर से लेकर पैर तक खून से सनी हुई देखता है तो उसके सीने में टीस सी उठती है। वो दौड़कर उसके पास जाकर उसको अपने गले से लगा लेता है। अयाना अयान के ऐसे अचानक हग करने से वो भी उसको टाइट हग कर लेती है क्योंकि ये उसका आखिरी हग होने वाला था। अयाना जो अब तक इमोशनलेस थी अब अपने प्यार को और अपने परिवार को देखकर इमोशनल हो गई थी। उसके आंखों में एक अनजाना सा दर्द दिखाई दे रहा था। अपने परिवार से जुदा होने का ये नियति थी वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसका इन सब के साथ शायद यही तक था। अयान अयाना को अपने गोद में लेकर सोफे पर लिटा था है और बाकी सब की तरफ देखता है। सब अपनी जगह पर जम गए थे। स्तन की हालत देखकर अयान लव और कुश को आवाज देता है जिससे वो वास्तव में वापस आते हैं और अयाना की तरफ बढ़ते हैं। अयान लव को फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहता है और कुश को जल्दी से डॉक्टर को बुलाने को कहता है। अयाना की गलत देखकर हो इतना तो समझ गया था कि अयाना की हालत काफी खराब थी। इस वक्त उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया सकता था। उसका इलाज यही और करना ज्यादा जरूरी था। लव और कुछ जल्दी से अयान की बात सुनकर रिएक्ट करते हैं और लव फर्स्ट एड बॉक्स लाकर अयान को देता है। वही कुछ डॉक्टर को कॉल कराकर उनको जल्द से जल्द अपने टीम के साथ व्हाइट हाउस बुलाता है। बाकी सारी जरूरी चीज व्हाइट हाउस में ही मौजूद थी। व्हाइट हाउस का एक कमरा पहले से पूरी हॉस्पिटल की फैसिलिटी से रेडी किया हुआ था जहां पर अयाना की मॉम राशि मित्तल का इलाज हो रहा था। बाकी सब भी अपने होश में आकर अयाना के ऐसा पास हो खड़े थे। सबकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपनी प्रिंसेस की हालत देखकर दर्द था और एक अनजाना सा डर सबको सता रहा था। अयाना अपनी फैमिली को अपने सामने देख खुश थी। अब उसको मौत आती भी है तो उसको कोई गम नहीं था। आखिर उसने अपने फैमिली से अपने डैड से अपने प्यार से वापस उनके पास आने का वादा पूरा कर लिया था और उसकी किस्मत
मैं अपने परिवार के साथ और अपने प्यार का साथ यही तक था। अयाना अपने परिवार की नम आंखें देखकर उन सब से कहती है, प्लीज आप सब रोना मत मेरे जाने के बाद, आप सब कभी भी आंसू नहीं बहाएंगे बल्कि खुशी के साथ मुझे याद करेंगे। उसने इतना ही कहा था कि अयान उसके होठों पर हाथ रखकर उसको आगे बोलने से मना करता है और न मैं अपना सर हिलाता है। इस वक्त अयान की आंखें लाल थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी गलत देखकर बता सकते थे कि वो पिछले 2 रातों से सिया नहीं था और अभी अपने प्यार को अपने सामने इस हालत में देखकर उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। अयान अयाना से कहता है, नहीं अनु तुमको कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे डैड को छोड़कर अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुमको जाने ही नहीं दूंगा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुमको कुछ नहीं होगा, अभी डॉक्टर आते ही होगे, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, बस हिम्मत मत हारना। अयान बिना रुके बोले ही जा रहा था, वो किसी भी हालत में अपने प्यार को खोना नहीं चाहता था। उसके पास अयाना के शिवाय और था ही कौन, अयाना ही उसके जीने की, उसकी खुशियों की वजह थी और अब वो ही उससे दूर हो जाएगी तो कैसे जिएगा वो और किस लिए। बाकी सबकी भी वही हालत थी। अयाना के डैड उसके पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ कर कहते हैं, कुछ बाजी होगा प्रिंसेस, तुमको तुम ऐसे अपने डैड को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अयाना अपनी फैमिली को इमोशनल देखकर खुद उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को नॉर्मल करके अपने फैमिली की तरफ देखकर कहती है, डैड आयु दादू दादी बड़े पापा बड़ी मॉम लव और खुश भाई सब मेरी बात सुनिए। उसके ऐसा कहते ही सब उसकी तरफ देखते हैं और उसकी बात सुनने लगते हैं। अयाना उन सब की तरफ देखकर कहती है, मेरा जाने का समय आ गया है, कोई भी उसे नहीं बदल सकता, मेरा जन्म जिस खास लक्ष्य को जिले हुआ था वो लक्ष्य पूरा हो गया है, उसके बाद मैं धरती पर नहीं रह सकती हूँ, मुझे जाना ही होगा, यही विधि का विधान है, आप सब प्लीज इसे रोना मत, मुझे हंसी खुशी विदा करिए, आप सब जब भी मुझे प्यार मन से याद करोगे मैं आप सबके सामने आ जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर सभी बेहद इमोशनल हो गए थे। अयान तो कुछ सुना नहीं चाहता था पर अयाना उसको खुद की शपथ देती है और उससे वादा भी लेती है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, साथ में अपने सभी परिवार वालों से कुछ न कुछ बातें करती है। इस वक्त सभी उसी आसपास थे, सबकी आंखों में आंसू थे। अयाना सबकी तरफ देखती है तो उसे वहां पर आयुष और उसकी मॉम नहीं दिखती, तो वो अयान की तरफ देखकर कहती है, आयु आयुष कहां पर गई और मॉम उनको बुलाओ ना, आखिरी बार उनसे मिलना है। उसकी बातें सुनकर अयान की आंखें में आंसू उसके गाल पर आ जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर अपने आंसू को कंट्रोल करता है और लव को इशारा करता है। आयुष और राशि जी को लाने का अयान का इशारा समझ कर लव इन दोनों की लाने के लिए चाहा जाता है। आयुष को हाल में क्या चल रहा है, अयाना की हालत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो तो अपनी मॉम को पहले जैसे ठीक करने में लगा हुआ था। आयुष अपनी मॉम और लव के साथ हॉल में आता है। हॉल में सबको देखकर वो कहता है, क्या हुआ, सब हॉल में इकट्ठा है और मुझे बुलाया भी नहीं। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसकी ध्यान अपनी बहन अपनी एंजल पर जाता है, क्योंकि अयान की गोद में लेती हुई थी। उसकी हालत काफी खराब थी, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसको ऐसे देखकर आयुष भागकर उसके पास जाता है और ताकि तरफ अपनी नम आंखों से देखते हुए कहता है, एंजल आपको क्या हुआ है, आप एसी क्यों लेती हो, आप बीमार हो। इतना कहकर वो अयान की तरफ देखकर कहता है, दोस्त मेरे एंजल बीमार है और आपने मुझे बताया भी नहीं, वो सब छोड़िए, आप एंजल को हॉस्पिटल क्या नहीं लेकर गए, चलो जल्दी एंजल को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं दिल्ली। एंजल का पूरा चेहरा पीला पड़ा है और तो और सर से कितना खून बह चुका है, चलो जल्दी। अयाना आयुष की हालत देख रही थी, वो उसको इस गलत में देखकर पागल हो गया था। अयाना आयुष की तरफ देखकर अपने एक हाथ आगे करके उसको अपने पास आने का इशारा करती है। आयुष अपनी एंजल का इशारा समझकर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। अयाना आयुष को कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर उससे कहती गई, आयुष मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे प्यारे भाई हो ना, जो अपनी बहन की हर बात मानते हो।
आयुष अपनी बहन की बातें सुनकर अपना सर हा में हिला देता है। अयाना आयुष का हाथ अपने हाथ में पड़े उसको अपने दूसरे हाथ से प्यार से सहलाते हुए कहती है, आयुष मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमको ना मेरे ना होने पर डैड और मॉम का ख्याल रखना है, साथ में पूरी फैमिली का भी और अपने दोस्त का भी, तुमको पता है ये, पर सबसे समझदार तुम हो इसलिए मैं इतनी बड़ी जवाबदारी तुमको से रही हो, तुम रखोगे ना अपने परिवार का ख्याल। अयाना की बात सुनकर आयुष अपना सर हा में हिलाते हुए कहता है, हाँ एंजल मैं रखूंगा सबका ख्याल, वैसे भी मेरी एंजल ने मुझसे कुछ कहा है और वो मैंने ना किया, ऐसा कभी हुआ है क्या, और अपने सही कहा, इस घर में सबसे समझदार मैं ही हूँ, ये कहकर वो लव और कुश की तरफ देखकर आई विंक कर देता है। आयुष का ध्यान जब अपनी बहन की तरफ जाता है को उसकी तरफ ही मुस्कराते हुए देख रही थी, अपने दर्द को छुपाकर जो उससे छुप न सका, वो अपनी बहन का हाथ जो उसके हाथ से छूट रहा था उसे टाइट पकड़ कर कहता है, एंजल आपने ऐसा क्या कहा, सबके चेहरे की तरफ देख कर कहता है, और सब रो क्या रहे हैं, और तो और आपको इतनी छोटी लगी है, ये सब छोड़ो आप पहले हॉस्पिटल चलो। उसने इतना ही कहा था कि अयाना उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ना में अपना सर हिला देती है और उसके बालों के सहलाते हुए कहती है, आयुष मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस कुछ ही पल बचे हैं, हो सब मैं आप लोगों के साथ बिताना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर आयुष की आंखें बड़ी हो जाती है, वो हैरानी से अपनी जगह पर जम जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब उसके सिर से अयाना अपना हाथ हटती है तो वो होश में आता है और अयाना के हाथ को अपने हाथ में पकड़ कर कहता है, नहीं एंजल आओ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आपको कुछ नहीं होगा। आयुष की हालत अपनी बहन के खुद से दूर जाने की सुनकर खराब होने लगती है, जिसे देखकर लव और कुश आगे बढ़ कर उसको संभलने की कोशिश करते हैं। सबकी हालत अपनी प्रिंसेस के उनको छोड़कर इस दुनिया से चले जाने का सुनकर वो बेहद खराब हो गई थी और अभी आयुष को देखकर तो सबके रुके हुए आंसू फिर से बहने लगते हैं। अयाना को भी अपने इस प्यारे परिवार को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, उसके दिल के हजारी टुकड़े हो रहे थे, पर वो अपनी नियति के खिलाफ नहीं जा सकती थी और वो कालचक्र में परिवर्तन भी नहीं कर सकती, अगर ऐसा किया तो सारी सृष्टि हो विनाश को तरफ चली जाएगी और वो ऐसा कैसे होने दे सकती थी, हो तो रक्षक थी, वो कैसे बक्षक बन सकती थी। अयाना अपने शक्तियों से आयुष को शांत कर देती है, उसी के साथ सबको भी अपनी शक्तियों के साथ शांत कर देती है और उसका इस दुनिया को छोड़कर जाना क्या जरूरी है उन सबको समझा देती है और उन सबको उसके जाने के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने को कहती है। साथ में उसके जाने के बाद कोई भी दुखी नहीं होगा, बल्कि सब लोग उसको हंसकर विदा करेंगे, उसका बस शरीर इस दुनिया को छोड़कर जा रहा था, वो तो हमेशा उनके आसपास ही रहने वाली थी। अयाना ने अपनी स्क्रियों से सबको सब समझ दिया था, जिससे सब अब काफी हद तक सबल चुके थे। अयाना अपने भाई कुश की तरफ देखकर कहती गई, भाई मॉम को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। उसकी बात सुनकर कुश राशि मित्तल यानी कि अयाना और आयुष की मॉम उसके पास लेकर चला जाता है। अयाना की मॉम अब भी कोमा में थी, अयाना उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ लेती है और फिर अपनी आंखें बंद करके मंत्र उच्चारण करने लगती है। उसकी हालत पहले ही बेहद खराब थी पर अब मंत्र उच्चारण के साथ और भी खराब हो रही थी। उसके मुंह से खून आने लगा था, जिसे देखकर सभी परेशान हो गए थे। अयाना आगे बढ़कर उसका खून साफ कर देता है। उसकी एक रोने के कारण सुर्ख लाल हो गई थी, वो बस एक टक अपने गोद में सर रख कर लेटी अपनी जान को देख रहा था। कुछ ही समय बाद अयाना अपनी आंखें खोल देती है और अपने डैड अयान और बाकी सबकी तरफ देखकर प्यारी सी स्माइल करती है और फिर अपने डैड से कहती है, डैड मॉम को जल्द ही होश आ जाएगा, उनका ख्याल रखना और उनसे कहना उनकी प्रिंसेस उनसे बेहद प्यार करती थी। इतना कहकर वो बाकी सबकी तरफ देखकर कहती है, रोना नहीं, अपनी लाइफ हंसी खुशी के साथ जीना और जब भी कभी मुझे याद करो तो खुशी के साथ याद करना, ना कि दुखी होकर। अयान की तरफ देखकर कहती है, आयु अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है, भूलना मत।
अयाना ऐसे ही एक एक करके सबसे कुछ न कुछ कहती है और फिर सबकी तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल करती है और धीरे धीरे अपने आंखें बंद कर देती है। अयाना की सांसें थम चुकी थी और वो हमेशा हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो चुकी थी। कहां से वो कभी जगने वाली नहीं थी। वही अयाना की बंद हो चुकी आंखें देखकर सभी एक साथ बोलते हैं, प्रिंसेस। अयाना की सांसें थम चुकी थी। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार, अपने प्यार को छोड़कर उस दुनिया को छोड़ कर जा चुकी थी और छोड़ गई थी पीछे अपने परिवार और प्यार को अपनी खूबसूरत यादों के सहारे। अयाना के चेक जाने के बाद व्हाइट हाउस वीरान हो गया था। उसमें जान ही नहीं बची थी। सभी बस नाम के लिए मुस्करा रहे थे। कोई भी दिल से खुश नहीं था। आज अयाना को दुनिया छोड़कर गए हुए पूरे 2 महीने हुए थे। इन 2 महीनों में काफी कुछ बदल गया था। अयाना की मॉम राशि मित्तल को होश आ गया था। वो अब पहले की तरह पूरी तरीके से ठीक थी। उनको जब अपने बेटी की बातें में पता चला था तो वो बेहद दुखी हो गई थी, पर हर्षवर्धन और आयुष ने उनको संभाल लिया था। लव और कुछ ने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया था। वो दोनों ही ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, पर हर वीकेंड पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे जैसा उनकी प्रिंसेस चाहती थी। हर्षवर्धन जी अपनी वाइफ के साथ और अपने बेटी की यादों में ही रहते थे। उनने कंपनी की सारी बागडोर लव और कुश को दे दी थी। दादा दादी तो काशी गए हुए थे। उनका अब अपने प्रिंसेस के जाने के बाद घर पर मन ही नहीं लगता था, इसलिए वो दोनों ये से दूर काशी चले गए थे। वही आयुष भी अपनी प्यारी बहन, जो कि उसके लिए किसी एंजल से कम नहीं थी, उसके जाने के बाद वो जैसा हंसना भूल ही गया था। वो सिर्फ अपने फैमिली के सामने, अपने मॉम डैड के सामने खुश होने का दिखावा करता था, को किसी से छुपा नहीं था। अयान तो अयाना के जाने बाद जैसे खुद को ही भूल बैठा था। वो ज्यादातर वक्त अपने ऑफिस में ही बीतता था। उसके लिए अयाना उसके जिंदगी में किसी एंजल की तरह आ गई थी और उसे जीना सिखा कर उसे बेहद दूर चली गई थी, जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती थी। अयाना के जाने के बाद अयान फिर से पहले जैसा ही हो गया था। उसको नींद ना आने की बीमारी जो अयाना के वजह से ठीक हो गई थी, पर अब उसके जाने के बाद उसको नींद ही नहीं आती थी। वो रात को अयाना के याद में घटो घटो तक जगा करता था। अयान एक खडूस गुस्सेल बिजनेसमैन हो गया। तब इस 2 महीने में उसकी कंपनी ने काफी ग्रोथ कर ली थी, पर कुछ भी हो जाए वो हर वीकेंड को, चाहे वो कहीं भी हो, पर रात का खाना मित्तल फैमिली के साथ ही करता था, जैसा कि उसकी अनु उसका प्यारा चाहता था। वही हर्षवर्धन जी अपनी प्रिंसेस के जाने के बाद ऐसा अपने सारे परिवार को बिखरता देखकर दुखी हो जाते थे। उनको अयान को फिर से पहले की तरह कठोर और एक रोबो की तरह काम करना, जिसमें कोई भी इमोशन नहीं होता, ये देख कर उनके दिल में अलग सी टीस उठती थी। वैसे कहते हैं ना, किसी को जाना होता है तो कोई उसे रोक नहीं सकते थे। आखिर नियति है, नियति के खिलाफ कौन जा सकता है। जिसका साथ हमारे साथ जब तक लिखा होता है, तब तक ही हम उसके साथ रह सकते हैं। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, वो तो आगे बढ़ती ही रह जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ने लगता है। आज अयाना की डेथ को पूरे 1 साल हो गया था। आज सभी मित्तल फैमिली इस वक्त मित्तल मेंशन में थी, जहां और अयाना के लिए बेहद बड़ी पूरा रखी गई थी। उसमें सभी फैमिली मेंबर वहां पर मौजूद थे। अयान भी मित्तल मेंशन के हॉल में अयाना के बड़ी सी फोटो के आगे बैठा था। वो बिना अपनी नजरें झुकाए एक तक अयाना की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देख रहा था। कुछ ही समय बाद पूजा संपन्न होती है। सभी मेहमान धीरे धीरे सबसे मिलकर चेक जाते हैं। अब हॉल में बस मित्तल फैमिली और अयान ही था। वो सभी फिर से अपनी प्रिंसेस की यादों में खो गए थे। तभी इत्ता मेंशन में एक औरत एंटर करती है, जिसने इस वक्त एक व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी, और उसके साथ ही 2 लड़के अंदर एंटर करते हैं और अयाना के फोटो को सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर पूरी फैमिली की तरफ देखते हैं। वही देवराज मित्तल जा ध्यान जब उस औरत और उसके साथ आए हुए 2 लड़कों पर जाता है तो उनकी आंखों मैं गुस्सा दिखने लगता है। गुस्से के कारण उनकी हाथ की मुठिया बीच गई थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर
अपनी सामने खड़ी औरत से कहते हैं, तुम ये पर क्या कर रही हो, तुमको अंदर जिसने आने दिया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अंदर आने की। देवराज जी की बातें सुनकर सारे फैमिली मेंबर का ध्यान उस औरत और उसके साथ आए हुए लड़कों पर चला जाता है। उनको देखकर वहां मौजूद सबकी आंखों से गुस्सा साफ देखा जा सकता था। किसी को भी उस औरत का आना वहां पर अच्छा नहीं लगा था, ये सबके चेहरे को देखकर अच्छे से पता चल रहा था। वही घर के बड़े दादू यानी कि अखिलेश मित्तल अपने सामने खड़ी औरत को देखकर गुस्से से उससे कहते हैं, अब क्यों आई हो यहाँ पर, हाँ चली गई थी ना 20 साल पहले, तो फिर यह पर वापस क्या आई हो, अब क्या चाहिए तुमको। वही वो औरत सबकी बातें और सबके चेहरे पर आए हुए भावों को अच्छी तरह से देख सुन और समझ रही थी। सबकी तरफ देखकर वो डेविल स्माइल करती है और फिर वही मौजूद सिंगल सोफे पर किसी रानी की तरह बैठती है और उसके साथ आए हुए वो दो लड़के उसके पूछे खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे पर भी मित्तल परिवार को देखकर मिस्टीरियस स्माइल थी। वो औरत सोफे पर बैठकर अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए पूरे मित्तल परिवार को एक नजर घूरती है और फिर अखिलेश मित्तल की तरफ देखकर कहती है, हाँ चली तो गई थी पर लगता है उम्र के साथ आपको भूलने की भी बीमारी हो गई है। वैसे होता है, अब आप काफी बूढ़े हो गए हो, तो ये तो लालची ही है कि आप 20 साल पहले के मेरे कहे हुई बातें भूल गए होंगे, पर ये तो गलत है ना, मैं इसे कैसे आपको बुलाने दे सकती हूँ, इसलिए तो मैं ये पर वापस आई है जो मैंने 20 साल पहले मित्तल मेंशन छोड़ते हुए कहा था वो पूरा करने का अब समय आ गया है, तो मुझे तो यहाँ पर वापस लौटना ही था ना। इतना कहकर वो सबको एक तंज भरी मुस्कान पास कर देती है। वही उसकी बात सुनकर मित्तल परिवार के सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है। हर्षवर्धन जो कब से शांति से अपनी सामने बैठी औरत को ऑब्जर्व कर रहे थे और उसकी बातें सुन रहे थे, जब वो उस औरत को अपने डैड से ऐसी बातें करते हुए देखता है तो उसको सहन नहीं होता। हर्षवर्धन गुस्से से उस औरत की तरफ देखते हुए कहते हैं, बस बहुत हुआ सुमित्रा तुम्हारा, तुमको इस बात की भी तमीज नहीं रही है कि डैड से कैसे बात करे, बड़े है वो, तुमसे लगता है तुम इस 20 सालों में अपनी सारी तमीज भूल गई हो। हर्षवर्धन मित्तल की बात सुनकर हो औरत जिसको अभी थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन मित्तल ने सुमित्रा कहकर पुकारा था, वो हर्षवर्धन मित्तल की तरफ देखकर प्यारी सी स्माइल उसको पास करके कहती है, वो तो आखरी। हर्षवर्धन मित्तल ने अपना मुंह खोल ही दिया, वैसे मैंने सुना था कि अपनी इकलौती बेटी के मरने के बाद तुमने संन्यास ले लिया, गई कहीं पर भी दिखाई ही नहीं देते, पर अभी तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा। वैसे सच कहूं तो तुम्हारी आवाज में अब भी वो पहले जैसा ही रौब है, आई लाइक इट। फिर रुककर वो आगे कहती है, पता है मुझे न तुम्हारे बात करने का तरीका सबसे अच्छा लगता था, इसीलिए तुम 20 साल पहले मेरे सबसे करीब थे, और वैसे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी मौका है अगर तुम एक्सेप्ट करो तो। सुमित्रा ने इतना ही कहा था कि उसके कानों में एक तेज और कठोर आवाज आई, जिसे सुनकर एक बात तो सुमित्रा भी अंदर से एक पल के लिए कांप गई थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मालती मित्तल की थी, यानी कि दादी जो अपने कठोर और कोल्ड आवाज में सुमित्रा से कह रही थी, वैसे तुम्हारी ये सारी बकवास ही गई हो तो तुम सीधे मुद्दे पर क्यों नहीं आ जाती, वैसे तुम्हारी इस फितरत से तो मैं पूरे 22 साल से अवगत हूँ, तुम वो साफ हो जिसने हमारे ही घर का दूध पीकर हुजी ही 20 साल पहले दसा था, और पता नहीं अब फिर किस मकसद से यह पर आई हो, पर एक बार याद रखना, इस बार अगर तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुँचने की कोशिश की ना तो तुम मालती मित्तल का वो रूप देखोगी जिसे देखकर किसी की भी उसके सामने बात करने की तो छोड़ो खड़े रहने तक की हिम्मत नहीं होती थी, और वो अपने दुश्मनों के लिए किसी कल से कम नहीं थी। आज भले वक्त के साथ मैं बूढ़ी हो गई हो पर मुझे आज भी उतना ही जोश है और ताकत भी, तो सीधे तरह से यहाँ पर किस लिए आई हो वो बताओ। वही आयुष जो अपनी दादी के पास था वो उनकी बात सुनकर उनको कंधे पर हाथ रखकर उनको शांत करने की कोशिश
करता है क्योंकि वो जानता था दादी को अब ज्यादा गुस्सा करना उनके सेहत के लिए आवा नहीं था और खासकर के अयाना के जब के बाद उनकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वही सुमित्रा मालती मित्तल की बातें सुनकर एक पल के लिए तो डर ही गई थी। उसके सामने 22 साल पहले वाली मालती मित्तल की एक झलक दिखाई देती है, पर वो अपने डर पर जल्द ही कभी करके अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए मालती मित्तल की तरफ देखकर कहती है, वो मॉम आप तो मेरी इतनी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गई हो। वैसे आप मेरी सगी मॉम तो नहीं हो, पर आपने मुझे सड़क से उठाकर तो बड़ा किया है, तो आप मेरी मॉम ही है। अगर आपको मॉम कहना अच्छे ना भी लगे तो भी मैं आपको मॉम ही कहूंगी। इतना कहकर वो एक दिल जलाने वाली मुस्कान मालती मित्तल को पास कर देती है। अयाना की सांसें थम चुकी थी। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार अपने प्यार को छोड़कर उस दुनिया को छोड़ कर जा चुकी थी और छोड़ गई थी पीछे अपने परिवार और प्यार को अपनी खूबसूरत यादों के सहारे। अयाना के चेक जाने के बाद व्हाइट हाउस वीरान हो गया था। उसमें जान ही नहीं बची थी। सभी बस नाम के लिए मुस्करा रहे थे। कोई भी दिल से खुश नहीं था। आज अयाना को दुनिया छोड़कर गए हुए पूरे 2 महीने हुए थे। इन 2 महीनों में काफी कुछ बदल गया था। अयाना की मॉम राशि मित्तल को होश आ गया था। वो अब पहले की तरह पूरी तरीके से ठीक थी। उनको जब अपने बेटी की बातें में पता चला था तो वो बेहद दुखी हो गई थी, पर हर्षवर्धन और आयुष ने उनको संभाल लिया था। लव और कुछ ने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया था। वो दोनों ही ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, पर हर वीकेंड पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे जैसा उनकी प्रिंसेस चाहती थी। हर्षवर्धन जी अपनी वाइफ के साथ और अपने बेटी की यादों में ही रहते थे। उनने कंपनी की सारी बाग दौड़ लव और कुश को दे दी थी। दादा दादी तो काशी गए हुए थे। उनका अब अपने प्रिंसेस के जाने के बाद घर पर मन ही नहीं लगता था, इसलिए वो दोनों ये से दूर काशी चले गए थे। वही आयुष भी अपनी प्यारी बहन जो कि उसके लिए किसी एंजल से कम नहीं थी, उसके जाने के बाद वो जैसा हंसना भूल ही गया था। वो सिर्फ अपने फैमिली के सामने अपने मॉम डैड के सामने खुश होने का दिखावा करता था, को किसी से छुपा नहीं था। अयान तो अयाना के जाने बाद जैसे खुद को ही भूल बैठा था। वो ज्यादातर वक्त अपने ऑफिस में ही बीतता था। उसके लिए अयाना उसके जिंदगी में किसी एंजल की तरह आ गई थी और उसे जीना सिखाकर उसे बेहद दूर चली गई थी, जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती थी। अयाना के जाने के बाद अयान फिर से पहले जैसा ही हो गया था। उसको नींद ना आने की बीमारी जो अयाना के वजह से ठीक हो गई थी, पर अब उसके जाने के बाद उसको नींद ही नहीं आती थी। वो रात को अयाना के याद में घटो घटो तक जगा करता था। अयान एक खडूस गुस्सेल बिजनेसमैन हो गया। तब इस 2 महीने में उसकी कंपनी ने काफी ग्रोथ कर ली थी, पर कुछ भी हो जाए वो हर वीकेंड को चाहे वो कहीं भी हो पर रात का खाना मित्तल फैमिली के साथ ही करता था, जैसा कि उसकी अनु उसका प्यारा चाहता था। वही हर्षवर्धन जी अपनी प्रिंसेस के जाने के बाद ऐसा अपने सारे परिवार को बिखरता देखकर दुखी हो जाते थे। उनको अयान को फिर से पहले की तरह कठोर और एक रोबो की तरह काम करना जिसमें कोई भी इमोशन नहीं होता, ये देख कर उनके दिल में अलग सी टीस उठती थी। वैसे कहते हैं ना, किसी को जाना होता है तो कोई उसे रोक नहीं सकते थे। आखिर नियति है, नियति के खिलाफ कौन जा सकता है। जिसका साथ हमारे साथ जब तक लिखा होता है तब तक ही हम उसके साथ रह सकते हैं। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, वो तो आगे बढ़ती ही रह जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ने लगता है। आज अयाना की डेथ को पूरे 1 साल हो गया था। आज सभी मित्तल फैमिली इस वक्त मित्तल मेंशन में थी, जहां और अयाना के लिए बेहद बड़ी पूरा रखी गई थी। उसमें सभी फैमिली मेंबर वहां पर मौजूद थे। अयान भी मित्तल मेंशन के हॉल में अयाना के बड़ी सी फोटो के आगे बैठा था। वो बिना अपनी नजरे झुकाए एक तक अयाना की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देख रहा था। कुछ ही समय बाद पूजा संपन्न होती है। सभी मेहमान धीरे धीरे सबसे मिलकर चेक जाते हैं। अब हॉल में बस मित्तल फैमिली और अयान ही था। वो सभी फिर से अपनी प्रिंसेस की यादों में खो गए थे।
तभी इत्ता मेंशन में एक औरत एंटर करती है जिसने इस वक्त एक वाइट साड़ी पहनी हुई थी और उसके साथ ही दो लड़के अंदर एंटर करते हैं और अयाना के फोटो को सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर पूरी फैमिली की तरफ देखते हैं। वही देवराज मित्तल का ध्यान जब उस औरत और उसके साथ आए हुए दो लड़कों पर जाता है तो उनकी आंखों में गुस्सा दिखने लगता है। गुस्से के कारण उनकी हाथ की मुठिया बीच गई थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर अपनी सामने खड़ी औरत से कहते हैं, तुम ये पर क्या कर रही हो? तुमको अंदर जिसने आने दिया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अंदर आने की? देवराज जी की बातें सुनकर सारे फैमिली मेंबर का ध्यान उस औरत और उसके साथ आए हुए लड़कों पर चला जाता है। उनको देखकर वहां मौजूद सबकी आंखों से गुस्सा साफ देखा जा सकता था। किसी को भी उस औरत का आना वहां पर अच्छा नहीं लगा था। ये सबके चेहरे को देखकर अच्छे से पता चल रहा था। वही घर के बड़े दादू यानी कि अखिलेश मित्तल अपने सामने खड़ी औरत को देखकर गुस्से से उससे कहते हैं, अब क्यों आई हो यहाँ पर? हाँ चली गई थी ना 20 साल पहले, तो फिर यह पर वापस क्या आई हो? अब क्या चाहिए तुमको? वही वो औरत सबकी बातें और सबके चेहरे पर आए हुए भावों को अच्छी तरह से देख सुन और समझ रही थी। सबकी तरफ देखकर वो डेविल स्माइल करती है और फिर वही मौजूद सिंगल सोफे पर किसी रानी की तरह बैठती है और उसके साथ आए हुए वो दो लड़के उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे पर भी मित्तल परिवार को देखकर मिस्टीरियस स्माइल थी। वो औरत सोफे पर बैठकर अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए पूरे मित्तल परिवार को एक नजर घूरती है और फिर अखिलेश मित्तल की तरफ देखकर कहती है, हाँ चली तो गई थी पर लगता है उम्र के साथ आपको भूलने की भी बीमारी हो गई है। वैसे होता है अब आप काफी बूढ़े हो गए हो, तो ये तो लालची ही है कि आप 20 साल पहले के मेरे कहे हुई बातें भूल गए होंगे, पर ये तो गलत है ना। मैं इसे कैसे आपको बुलाने दे सकती हूँ? इसलिए तो मैं ये पर वापस आई है जो मैंने 20 साल पहले मित्तल मेंशन छोड़ते हुए कहा था वो पूरा करने का अब समय आ गया है, तो मुझे तो यहाँ पर वापस लौटना ही था ना। इतना कहकर वो सबको एक तंज भरी मुस्कान पास कर देती है। वही उसकी बात सुनकर मित्तल परिवार के सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है। हर्षवर्धन जो कब से शांति से अपनी सामने बैठी औरत को ऑब्जर्व कर रहे थे और उसकी बातें सुन रहे थे, जब वो उस औरत को अपने डैड से ऐसी बातें करते हुए देखता है तो उसको सहन नहीं होता। हर्षवर्धन गुस्से से उस औरत की तरफ देखते हुए कहते हैं, बस बहुत हुआ सुमित्रा तुम्हारा, तुमको इस बात की भी तमीज नहीं रही है कि डैड से कैसे बात करे? बड़े है वो, तुमसे लगता है तुम इस 20 सालों में अपनी सारी तमीज भूल गई हो। हर्षवर्धन मित्तल की बात सुनकर हो औरत जिसको अभी थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन मित्तल ने सुमित्रा कहकर पुकारा था, वो हर्षवर्धन मित्तल की तरफ देखकर प्यारी सी स्माइल उसको पास करके कहती है, वो तो आखरी। हर्षवर्धन मित्तल ने अपना मुंह खोल ही दिया, वैसे मैंने सुना था कि अपनी इकलौती बेटी के मरने के बाद तुमने संन्यास ले लिया, गई कहीं पर भी दिखाई ही नहीं देते, पर अभी तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा। वैसे सच कहूं तो तुम्हारी आवाज में अब भी वो पहले जैसा ही रौब है। आई लाइक इट। फिर रुककर वो आगे कहती है, पता है मुझे न तुम्हारे बात करने का तरीका सबसे अच्छा लगता था, इसीलिए तुम 20 साल पहले मेरे सबसे करीब थे, और वैसे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी मौका है अगर तुम एक्सेप्ट करो तो। सुमित्रा ने इतना ही कहा था कि उसके कानों में एक तेज और कठोर आवाज आई, जिसे सुनकर एक बात तो सुमित्रा भी अंदर से एक पल के लिए कांप गई थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मालती मित्तल की थी, यानी कि दादी जो अपने कठोर और कोल्ड आवाज में सुमित्रा से कह रही थी, वैसे तुम्हारी ये सारी बकवास ही गई हो तो तुम सीधे मुद्दे पर क्यों नहीं आ जाती? वैसे तुम्हारी इस फितरत से तो मैं पूरे 22 साल से अवगत हूँ। तुम वो साफ हो जिसने हमारे ही घर का दूध पीकर हुजी ही 20 साल पहले दसा था, और पता नहीं अब फिर किस मकसद से यह पर आई हो। पर एक बार याद रखना, इस बार अगर तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचने की कोशिश की ना, तो तुम मालती मित्तल का वो रूप देखोगी जिसे देखकर
किसी की भी उसके सामने बात करने की तो छोड़ो खड़े रहने तक की हिम्मत नहीं होती थी और वो अपने दुश्मनों के लिए किसी कल से कम नहीं थी। आज भले वक्त के साथ मैं बूढ़ी हो गई हो पर मुझे आज भी उतना ही जोश है और ताकत भी। तो सीधे तरह से यहाँ पर किस लिए आई हो वो बताओ। वही आयुष जो अपनी दादी के पास था वो उनकी बात सुनकर उनको कंधे पर हाथ रखकर उनको शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था दादी को अब ज्यादा गुस्सा करना उनके सेहत के लिए आवा नहीं था और खासकर के अयाना के जब के बाद उनकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वही सुमित्रा मालती मित्तल की बातें सुनकर एक पल के लिए तो डर ही गई थी। उसके सामने 22 साल पहले वाली मालती मित्तल की एक झलक दिखाई देती है पर वो अपने डर पर जल्द ही कभी करके अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए मालती मित्तल की तरफ देखकर कहती है वो मॉम आप तो मेरी इतनी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गई हो। वैसे आप मेरी सगी मॉम तो नहीं हो पर आपने मुझे सड़क से उठाकर तो बड़ा किया है तो आप मेरी मॉम ही है। अगर आपको मॉम कहना अच्छे ना भी लगे तो भी मैं आपको मॉम ही कहूंगी। इतना कहकर वो एक दिल जलाने वाली मुस्कान मालती मित्तल को पास कर देती है। तो आगे क्या होने वाला है आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। इस कहानी में हमने अब तक देखा कि वही आयुष जो अपनी दादी के पास था वो उनकी बात सुनकर उनको कंधे पर हाथ रखकर उनको शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था दादी को अब ज्यादा गुस्सा करना उनके सेहत के लिए आवा नहीं था और खास करके अयाना के जब के बाद उनकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वही सुमित्रा मालती मित्तल की बातें सुनकर एक पल के लिए तो डर ही गई थी। उसके सामने 22 साल पहले वाली मालती मित्तल की एक झलक दिखाई देती है पर वो अपने डर पर जल्द ही कभी करके अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए मालती मित्तल की तरफ देखकर कहती है वो मॉम आप तो मेरी इतनी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गई हो। वैसे आप मेरी सगी मॉम तो नहीं हो पर आपने मुझे सड़क से उठाकर तो बड़ा किया है तो आप मेरी मॉम ही है। अगर आपको मॉम कहना अच्छे ना भी लगे तो भी मैं आपको मॉम ही कहूंगी। इतना कहकर वो एक दिल जलाने वाली मुस्कान मालती मित्तल को पास कर देती है। अब आगे सुमित्रा की बातें सुनकर पूरे मित्तल परिवार के चेहरे पर गुस्से की लकीर आने लगती है जिसे आसानी से देखा जा सकता था। वही आयुष जो अब तक शांति से वहां पर क्या हो रहा है सामने बैठी औरत कौन है और उसको देखकर उसका परिवार क्यों इतने गुस्से में है ये सब उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा था। वो अपने परिवार के आगे ढाल के रूप में खड़ा होकर सामने बैठी सुमित्रा की तरफ देखकर कहता है आप जो भी हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं पर अब अगर आपके मुंह से एक भी गलत लफ्ज मेरे परिवार के खिलाफ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। वैसे भी जितना मुझे पता है उसके मुताबिक तो आपका जो भी कोई रिश्ता था मित्तल परिवार से वो तो 20 साल पहले ही खत्म हो चुका है और दूसरी बार आपका हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। और अभी आप जिस भी किसी मकसद से आई है अगर वो मकसद मेरे परिवार को नुकसान पहुंचने का है तो आपको सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। सावित्री और उसके साथ आए हुए इन दो लड़कों को आयुष की बात सुनकर गुस्सा तो बेहोत आया पर वो कुछ सोचा कर चुप ही बैठे थे। वही आयुष की बात सुनकर उसके दो भाई लव और कुश भी उसके साथ खड़े होकर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर सावित्री की तरफ देखते हैं जैसे उससे कह रहे हैं तुमको हमारे परिवार को कुछ भी करने से पहले हमसे होकर गुजरना होगा। वही सावित्री उन तीनों की बातें सुनकर शैतानों की तरह मुस्कराने लगती है। वो उन तीनों की तरफ एक नजर देखती है फिर मित्तल परिवार के बाकी सदस्यों को तरफ देखकर कहती है चलो जब अब तुम सब मेरे बारे में इतना जान ही गए हो तो मैं ज्यादा वक्त जाया किया बेगर अपना यहाँ आने का मकसद तुम सबको बता देती हूँ। इतना कहकर वो सबको डेविल स्माइल पास करके कहती है वो क्या है ना आज मित्तल परिवार की लाडली बेटी यानी कि आप सबकी प्यारी प्रिंसेस को मरे हुए पूरे 1 साल हो गया है तो मुझे लगा आप सबके सामने आने का और मुझे जो चाहिए वो लेने का इससे अच्छा समय कोई हो ही नहीं सकता।
उसकी बात सुनकर अखिलेश मित्तल उससे कहते हैं, क्या चाहिए तुमको और तुम ये पर क्या लेने आई हो? मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है और तुमको फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। उनकी बात सुनकर सुमित्रा के चेहरे पर जो स्माइल थी वो पल भर में गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर असीम गुस्सा दिखने लगता है। वो अपनी गुस्से से लाल आंखों से अखिलेश मित्तल की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मुझे क्या फूटी कोड़ी दोगे बूढ़े? वैसे भी तुम इस बात को कैसे भूल गए कि अगर मुझे जो भी चीज चाहिए वो मैं किसी भी हालत में हासिल करके रहती हूँ, तो अब भी मैं ये पर जिसलिए आई हूँ वो मैं बाय हुक और बाय कुक हासिल करके ही रहूंगी। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेती है और फिर मित्तल परिवार और अपनी तेज नजरें डालते हुए कोल्ड आवाज में कहती है, वैसे भी तुम्हारी उस प्यारी पोती की वजह से मैंने अपने पति अपने प्यार को खोया है। आज के ही दिन आज तक मैंने उनके अस्थियों को पानी में नहीं बहाए, मैंने अपनी पति के डेथ के बाद प्राण लिया था कि जिसने भी मेरे से मेरी खुशियां छीन ली है उसको मैं बर्बाद कर दूंगी। पर दुख की बात है तुम्हारी पोती तो पहले से ही मर गई है, पर कोई बात नहीं, पर तुम सब तो हो तो अब तुम सबको मरना होगा, उसके बाद ही मेरे पति की आत्मा का शांति मिलेगी, क्योंकि उनका मकसद ही तुम सबको मारना था। पर तुम सबके आगे ढाल बनकर हमेशा तुम्हारी वो पोती रहती थी, तुम्हारी रक्षक थी न वो, पर अब वो ही नहीं रही। वैसे तुम सबसे मेरी 20 साल पुरानी दुश्मनी है, मैंने तुम लोगों को कितनी बार जान से मारने की कोशिश की पर हर बार वो अयाना बीच में आ जाती थी, पर अब तुम सबको मुझसे कौन बचाएगा, क्योंकि अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। तुम लोगों को बचाने के लिए इतना कहकर वो जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगती है। सावित्री की बातें सुनकर अखिलेश मित्तल को डर लगने लगता है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आंखों के सामने सावित्री की दरिद्रगी को देखा था। वो जानते थे कि सावित्री अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, वही आयुष लव और कुछ सावित्री की बातें सुनकर जल्द ही अपने हरकत में आ जाते हैं। वो तीनों ही कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, उनको किसी भी हाल में पहले अपने परिवार को सेफ करना था। सावित्री की चील जैसे नजरें उन सब और ही टिकी थी, अब वो बातें करने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी, वो अब डायरेक्ट एक्शन लेना चाहती थी। उसको अब किसी भी हाल में मित्तल परिवार को मारकर अपना 20 साल पुराना बदला लेना था और उनकी सारी प्रॉपर्टी पर राज करना था, इसलिए वो किसी को भी रिएक्ट करने का मौका दिए बगैर अपने पीछे खड़े दो आदमियों की इशारा करती है, जिसे समझकर वो दोनों आदमी अपने हरकत में आ जाते हैं। 5 मिनट के अंदर मित्तल मेंशन के अंदर ढेर सारे गार्ड अपने हाथी में बंदूक लिए आते हैं और पूरे मित्तल परिवार पर अपनी गन तान कर खड़े होते हैं। पूरा मित्तल परिवार चारों बाजू से दुश्मनों से घिरा हुआ था, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वही अयाना जो इस वक्त अयाना के कमरे में उसकी यादों में खोया था, उसको अचानक अपने दिल में बेचैनी और एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसे ऐसा लगता है उसको कोई अपना खतरे में है, कुछ तो बुरा होने वाला है। ये महसूस कर वो जल्द ही अपने जगह से खड़ा हो जाता है। उसके हाथों में अब भी आईना की तस्वीर थी, वो एक नजर उस तस्वीर को देखता है और तस्वीर पर अपना हाथ फिराते हुए कहता है, जान पता नहीं आज मुझे ये अजीब से बेचैनी क्या हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ तो बुरा होने वाला है, पर हमारा सारा परिवार तो यहीं पर है नीचे और वो सभी मित्तल मेंशन में पूरी तरह से सुरक्षित है, तो फिर ये बेचैनी क्यों हो रही है, मुझे जाके देखना होगा। इतना कहकर वो अयाना की तस्वीर को चूमकर उसे वही टेबल पर रखकर उस रूम से बाहर निकलने लगता है, पर पता नहीं उसके दिमाग क्या आता है, वो अयाना के रूम में मौजूद कबर्ड से गन निकलकर अपने साथ लेता है और नीचे चला जाता है। अयाना सीढ़ियों पर पहुंच जाता है, अयान आधी सीढ़ियां उतर चुका था तभी उसकी नजर हॉल में चली जाती है। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती है। अब उसको समझ आ रहा था कि उसको इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। अचानक अपने सामने का नजारा देखकर अयाना की आंखें सुर्ख लाल हो जाती है, उसके चेहरे पर असीम गुस्सा दिखाई देने लगता है। वो इस वक्त किसी शूट से कम नहीं लग रहा था, उसके सामने पूरे मित्तल परिवार को
ढेर सारे काले कपड़े पहने हुए गार्ड ने घेर लिया था और वही हॉल में सिंगल सोफे के चेयर पर एक औरत किसी रानी की तरह बैठकर उन सारे गार्ड को मित्तल परिवार को मरने जा ऑर्डर दे रही थी। उसकी बात सुनकर उन गार्ड ने अपनी गन लोड करके उनको शूट करने ही वाले थे कि तभी उन सबके बीच कुछ गिरता है जो कि दिखने में किसी छोटे से बॉल की तरह लग रहा था। अचानक सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। वही सबका ध्यान भटकता देखकर अयान अपने हाथ में मौजूद एक छोटा सा बॉल जो कि साधारण सा था वो आयुष की तरफ फेंकता है, जिससे आयुष का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है, जिसे देखकर अयान उसको कुछ इशारा करता है। उसका इशारा समझकर आयुष जल्द ही हरकत में आता है और लव और कुश को भी आंखों ही आंखों से कुछ इशारा कर देता है। वही सारे गार्ड और सुमित्रा का ध्यान बस कुछ वक्त के लिए ही मित्तल परिवार से हटकर अभी उनके बीच फेंके हुए उस बॉल पर जाता है। वो कुछ समझ पाते या कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही पूरे हॉल में एक अजीब सा ही धुआं फैलने लगता है, जिससे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर अयान, आयुष और लव कुश मिलकर मित्तल फैमिली को वहां से सेफ जगह लेकर जाने लगते हैं। पर तभी सावित्री, जिसका दिमाग बेहद तेज चलता था, उसको सब समझ में आ जाता है और वो अपने पास मौजूद एक अलग ही प्रकार की डिवाइस को जमीन पर पटक देती है, जिससे वो दुआ कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है और अब अपने सामने का व्यू पूरा साफ दिखाई देने लगता है। सावित्री और उसके गार्ड अपने सामने देखते हैं तो वहां पर मित्तल फैमिली का कोई नामो निशान नहीं था, जिसे देखकर सावित्री के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगता है। हो अपने पास खड़े गार्ड की गन छीनकर उस गन की सारी गोलियां मित्तल मेंशन में मौजूद शोपीस पर चला देती है, जिससे वो महंगे महंगे शोपीस एक तेज आवाज के साथ जमीन पर बिखरे जाते हैं। सावित्री गुस्से से अपने गार्ड पर चीखते हुए कहती है, नलायको, यहाँ पर खड़े होकर मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? वो सभी यही कही होगे, इतने कम समय में वो लोग इस मेंशन से बाहर नहीं जा सकते। बाहर चप्पे चप्पे पर हमारे आदमी खड़े हैं, अगर वो लोग बाहर जाते तो गोलियों से बुन दिए जाते। डुंडो उन लोगों को यही कही पर है। वही दूसरी तरफ अयान, आयुष और लव कुश उस स्मोकिंग बॉम्ब के आड़ में जल्दी से अपने परिवार को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं, पर वो ज्यादा देर तक वहां पर नहीं रह सकते थे क्योंकि किसी भी समय वहां पर सावित्री पहुंच सकती थी। अयान अब तक पता चल चुका था कि उसके सारी गार्ड जो मित्तल मेंशन के बाहर थे वो सारे मारे गए थे और उसकी दूसरी बॉडीगार्ड की फोर्स वहां पर आने में टाइम लगेगा, इसलिए वो तब तक हाथ पर हाथ रख नहीं बैठ सकता था। वही दूसरी तरफ पृथ्वी से दूर एक अनजान जगह पर, जहां का आसपास की हर एक चीज सफेद कलर की थी, वहां और एक अलग ही प्रकार बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक प्रकृति का रूप दिखाई दे रहा था। उस जगह पर अलौकिक शक्ति का आभास हो रहा था। वहां पर ही एक पेड़ के नीचे जो कि पूरा सफेद कलर का था, उसके नीचे एक लड़की अपनी आंखें बंद कर के बैठी थी। उसने सफेद कलर के कोड़े पहने हुए थे, वो दिखने में किसी परी से कम नहीं थी। इस वक्त उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब ही प्रकार का दर्द दिखाई दे रहा था और उस लड़की की नकालत उसके आंखें से दो बूंद आंसू के गिर के उसके गाल पर आ जाते हैं। तभी वो अपने सामने कुछ ऐसा दृश्य देखती है कि एक चीख के साथ अपनी आंखें खोलती है। इस वक्त उसकी आंखें खून की तरह लाल दिखाई दे रही थी। परी की तरह दिखने वाली लड़की जिस वाइट ड्रेस पहनी थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द दिखाई दे रहा था, तभी वो अपने सामने कोई ऐसा दृश्य देखती है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है और उसी के साथ उसकी बंद आंखें खुल जाती है। उस लड़की की आंखें खून की तरह लाल थी। वो एक तक सामने देख रही थी, अभी अभी उसने जो देखा वो सच है या झूठ, इस दुविधा में वो फंस गई थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, हल्की सी रोशनी उसके आधे चेहरे पर बिखरी हुई थी, जिससे उस लड़की का पूरा चेहरा देखना मुश्किल हो रहा था। लड़की के गुलाबी होंठ हल्के से हिलते हैं, ऐसा लग रहा था वो कुछ बड़बड़ा रही थी। ध्यान से सुनने पर उसकी आवाज क्लियर हो गई थी, वो लड़की खुद से ही बड़बड़ा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने परिवार को मेरे
विजय से कोई नुकसान न हो इसलिए मैं उनको छोड़कर आई थी, पर अब मेरा पूरा परिवार खतरे में, उनको कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं उनको कुछ भी नहीं होने दे सकती, अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ पर नहीं रुक सकती थी। ये कहकर वो लड़की अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने दो कदम आगे बढ़ा लेती है। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। एक पल ऐसा आया कि उसका खूबसूरत चेहरा पूरा का पूरा रोशनी में आ गया था। वो कोई और नहीं बल्कि अयाना ही थी। अयाना जैसे ही अपने कदम अपनी फैमिली की तरफ बढ़ने लगी थी, वैसे ही धीरे धीरे उसके सामने एक शक्तिपुंज प्रकट होता है और उसको आगे बढ़ने रोक देता है। ऐसा होते ही अयाना अपनी लाल हो चुकी आंखें से उस शक्ति पुंज को घूरने लगती है। इस वक्त अपना रास्ता किसी के द्वारा रोकने के कारण गुस्से के मारे उसकी मुट्ठियां बीच गई थी। अयाना अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपनी लाल आंखों से शक्ति पुंज की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली होती है कि शक्ति पुंज से आती आवाज से उसके शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। शक्तिपुंज अयाना की तरफ देखते हुए कहता है, पुत्री मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारी मनस्थिति क्या है। तुम अपने परिवार को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख पा रही हो, इसलिए तुम उनको बचाने का रही हो, पर तुम ये भूल रही हो कि तुम जो करने जा रही हो वो संसार के नियमों के विरुद्ध है। अगर तुमने उसमें कोई भी हस्तक्षेप किया तो समस्त जीव सृष्टि का अस्तित्व धोखे में आ सकता है और मैं तुमको ये करने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। शक्तिपुंज की बातें सुनकर अयाना के रुके हुए आंसू उसके गाल पर आ जाते हैं। वो अपनी लाल हुई आंखें से उस शक्तिपुंज की तरफ अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहती है, आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं, आपने पहले मुझे रक्षक बनाकर धरती पर भेजा, वो भी एक मानव के रूप में। वहां पर मुझे एक परिवार मिला जो कि मुझे बेहद प्यार करता है। उनका प्यार पाकर मैं कब उनसे जुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला, और फिर एक दिन मुझे उस परिवार से दूर होना पड़ा। ऐसा क्यों, मैं भी एक साधारण जिंदगी जीना चाहती हूँ, पर मैं नहीं जी सकती ऐसा क्यों, क्या मैं कभी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती, जिससे मैं प्यार करती थी, जिसके साथ जीने के सपने देखे थे, उसी के बाहों में मैंने अपनी आखिरी सांस ली थी। ये सब मैंने बिना किसी शिकायत के मान लिया, पर अब उन सब की मौत वो मैं अपने आंखों से नहीं देख सकती। उसकी सारी बातें सुनकर शक्तिपुंज उसके सर पर अपना हाथ रखकर कहता है, पुत्री मैं तुम्हारी हर बात समझ सकता हूँ, पर ये विधि का विधान है, उन सब का आखिरी वक्त आ गया है, जिसे तुम मैं या कोई भी दूसरी शक्ति नहीं रोक सकती है। हम कालचक्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, पुत्री उन सब की मौत से ही एक नए अध्याय का शुरुआत होने वाली है। हर जन्म में तुम अपने प्यार से दूर हो गई हो, पर आगे ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जो भी इच्छा अधूरी रही है वो सभी पूरी होगी, बस उसके लिए तुमको कठिन तप करना होगा, जिससे तुम अगले जन्म में अपने प्यार के साथ बिता सकूं। कुछ कठिनाई आएगी, पर तुम्हारा प्यार उस जन्म में सफल होगा। इतना कहकर वो शक्तिपुंज वहां से गायब हो जाता है। अयाना के चेहरे पर शक्तिपुंज की कही गई बातें सुनकर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो फिर से अपने पहले वाले स्थान पर बैठ जाती है और अपनी तपस्या में लीन हो जाती है। जल्द ही एक नए अध्याय को शुरुआत होने वाली थी। वही दूसरी तरफ सावित्री ने मित्तल परिवार को ढूंढ लिया था, पर इन सब में उसने अपने कई आदमियों को खो दिया था। अयान आयुष्लव कुश उन सबकी नजरों से छुपकर उसके गार्ड पर अटैक कर रहे थे। सावित्री इस वक्त मित्तल परिवार के आगे खड़ी थी, उसके चेहरे पर क्रिपी स्माइल थी और उसके ठीक सामने अयान आयुष्लव और कुश थे और उनके पीछे पूरी मित्तल फैमिली। सावित्री अपनी गन को उन सब की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, अब बस हो गया ये चूहे बिली का खेल, अब तो आखिरी बार होगा, अब तुम सबको मरना होगा और सबसे पहले मरेगा तो ये आशिक, क्या नाम है तुम्हारा, हा याद आया। अयान अपनी बाहों में ही अपने प्यार को आखिरी सांस लेते हुए देखा था ना। वैसे मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम अगर इतना प्यार उससे करते थे तो उसके जाने के बाद भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको भी अपने प्यार के पास जाना चाहिए है ना। वो वहां ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते हुए
और तुम यहाँ पर ऐसा कैसे जमेगा, चलो कोई ना, मैं तुमको उसके पास भेज देती हूँ। इतना कहकर सावित्री ने किसी को कुछ भी बोलने का रिएक्ट करने का मौका दिए बगैर अयान के ऊपर गोली चला दी। वही अयाना सावित्री के मुंह से अयाना का नाम सुनते ही उसकी आंखें में एक अजीब सा दर्द दिखने लगा था। उसके दिल में एक टीस सी उठने लगी थी। वो सावित्री को खुद को शूट करते हुए अपनी आंखें से देख रहा था, पर उसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, पता नहीं क्या, पर अब उसको अपने प्यार के बिना जीना अच्छा नहीं लगा रहा था। वो बस अब अपने प्यार के पास जाना चाहत था, इसलिए उसने मुस्कराते हुए सावित्री के आगे खड़ा था। वही आयुष और बाकी सब जब सावित्री को अयान को शूट करते देखते हैं तो उनकी जान हलक में आ जाती है। आयुष अयान को बचाने के लिए आगे बढ़ हो रहा था कि सावित्री के साथ आया हुआ लड़का उसके ऊपर गोली चला देता है, जिससे दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। गोली दोनों के सर के बीचों बीच लगी थी, जिससे कुछ ही सेकंड में उनकी मौत हो जाती है। बाकी सब अपने सामने अभी जो हुआ उससे अपनी जगह पर जम गए थे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। सावित्री इस वक्त मित्तल परिवार को हालात पर हंस रही थी। वो अपने आदमियों को सबको ऊपर पहुंचने का इशारा कर वहां से निकलने वाली ही थी कि कुश की आवाज से वो अपनी जगह रुक जाती है और पीछे पलटकर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसको कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और वहां और एक ब्लास्ट के साथ सब कुछ खत्म हो गया था। किसी का भी नामो निशान नहीं रहा था। वही दूसरी तरफ अयाना जो अपने तपस्या में लीन थी, उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ना तो चीख पा रही थी और न ही अपना दर्द किसी को बता पा रही थी। वही दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल के एक वीआईपी वार्ड के अंदर एक लेडी दर्द से बिलख रही थी। उसका पेट फुला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है और किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी होने वाली थी। उसको लेबर पेन शुरू हो गया था। जल्द ही उसकी ओटी में ले जाया गया। ओटी के बाहर उस लेडी की फैमिली परेशानी में बैठी थी, क्योंकि डॉक्टर के कहे मुताबिक सिर्फ बेबी या मॉम में से एक को ही बचाया जा सकता था। प्रेग्नेंट लेडी जो दर्द से बिलख रही थी, उसकी चीखें बाहर बैठे लोगों को आसानी से सुनाई दे रही थी। वो चीखें बंद हो जाती है और वहां पर गहरी शांति पसर जाती है, जिससे बाहर बैठे लोगों के दिल में एक अनजना सा डर बैठ जाता है। सबकी धड़कने तेजी से धड़क रही थी। तभी कुछ ही समय में औरती का डोर ओपन होता है और डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। बाहर बैठे उस लेडी के रिश्तेदार औरती के डोर खुलने की आवाज सुनकर उस तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर बाहर आते ही उनको घेर लेते हैं और डॉक्टर से उस लेडी के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर उन सबको शांत करके उनसे कहते हैं, देखिए मिस्टर सिंघानिया, आप पहले तो शांत हो जाइए। मिसेज सिंघानिया खतरे से बाहर है, पर मिस्टर सिंघानिया डॉक्टर की बातें सुनकर उनसे कहते हैं, पर क्या डॉक्टर शर्मा, जल्दी बताई, मेरा दिल बैठा जा रहा है। डॉक्टर शर्मा जिन्होंने अभी इस प्रेग्नेंट लेडी यानी कि मिसेज सिंघानिया की डिलीवरी की थी, वो मिस्टर सिंघानिया से कहते हैं, मिस्टर सिंघानिया मैम ठीक है, सॉरी टू से, पर आपके बेटे को हम नहीं बचा पाए। डिलीवरी के बाद उसकी सांसें बेहद धीमी चल रही थी और कुछ ही समय बाद उसकी सांस थम गई। हमने आपको पहले ही कहा था कि मम का केस बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड था। वो पेट के बल गिरी थी, जिस वजह से उनकी डिलीवरी में बेहद सी कॉम्प्लिकेशन आ गई थी। भगवान का शुक्र मानिए कि मैम ठीक है, नहीं तो इसे केसेस में माँ और बेटे दोनों को बचाने के चांसेज बेहद कम होते हैं। इतना कहकर डॉक्टर और उनकी टीम वहां से चली जाती है। वही मिस्टर मेहरा डॉक्टर की बातें सुनकर अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। उनने और उनकी वाइफ ने अपने आने वाले बच्चे को लेकर क्या क्या सपने देखे थे, पर अब वो ही नहीं रहा था। उनकी आंखों से आंसू बहकर उनके गाल पर आ गए थे। मिस्टर सिंघानिया अपनी जगह पर ही शोक में खड़े थे। उनके कानों में अभी भी डॉक्टर की बातें गूंज रही थी को उनने थोड़ी देर पहले कही थी, आपके बेटे को हम नहीं बचा पाए। उनने और उनकी वाइफ ने जो अपने बच्चे के लिए सपने देखे थे, सब एक पल में ही मिट्टी में मिल गए थे। मिस्टर सिंघानिया को इसे शोक में खड़ा देखकर उनसे कुछ दूरी पर खड़े उनका छोटा भाई, जिसने डॉक्टर को
सारी बातें सुन ली थी, जिसे सुनकर उसे आंखों में भी आंसू आ गए थे, पर वो जल्द ही खुद को संभाल लेते हैं और अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर उनको होश में लाने के लिए कहते हैं, भाई होश में आओ, आप इसे अपना होश खो दोगे तो कैसे चलेगा, इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत भाभी को है। अपने भाई की बातें सुनकर मिस्टर सिंघानिया होश में आते हैं। वो अपने आंसू साफ करके अपने वाइफ को जिस वार्ड में साइड किया था या तरफ चले जाते हैं, वार्ड में एंटर करते ही उनकी नजर अपनी वाइफ पर चली जाती है, जो कि इस वक्त बेहोश थी। उनके चेहरा दर्द से पीला पड़ा था, वो दिखने में बेहद ही कमजोर लग रही थी। अपनी वाइफ को इसे देख एक पल के लिए तो मिस्टर सिंघानिया की आंखें नम हो गई थी, पर वो खुद को संभल कर अपने वाइफ के पास जाकर बेड के पास रखी स्टूल पर बैठ जाते हैं और उनका सर सहलाने लगते हैं। किसी का स्पर्श अपने सर पर महसूस कर मिसेज सिंघानिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है। अपने पास अपने पति को बेटा देखकर वो उनकी तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करती है। उनका ध्यान उनके पेट पर चला जाता है। अपने पेट का सपाट देखकर वो घबरा जाती है और वो अपने पति का हाथ कसकर पकड़कर उनसे कहती है, कबीर हमारा बच्चा, कान हमारा बच्चा कहा है। अपनी वाइफ की बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया यानी कि कबीर की आंखें नम हो जाती है, पर वो लड़ही खुद को संभल कर अपने वाइफ को अपने बाहों में लेकर उनको शांत करते हुए कहते हैं, दिया शांत हो जाइए। दिव्या सिंघानिया यानी कि किसा सिंघानिया की वाइफ, जो कि अपने पति कबीर सिंघानिया के हर एक एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी और जब बच्चे को बात सुनकर वो उनकी नाम आंखें देखती है तो उनको कुछ कुछ अंदेशा हो गया था, पर वो मानना नहीं चाहती थी। वो अपने पति के तरफ देखकर अपनी नम आंखें से कहती है, बोलिए ना कबीर, लगा है हमारा बच्चा वो ठीक तो है ना कबीर, कुछ तो कहिए ना कबीर, आप बाय क्यों नहीं, कुछ मुझे मेरे बच्चे को देखना है, कुछ तो बोलिए। कबीर सिंघानिया अपनी वाइफ की हालत देखकर खुद भी रोने लगते हैं और अपने वाइफ का चेहरा अपने हाथ में लेकर उनकी आंखों में देखते हाइट कहते हैं, दिया आप शांत हो जाइए, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज दिया शांत हो जाइए, हमारा बच्चा दुनिया में आते ही बिना कुछ देखे हमें छोड़कर चला गया है। उनने बस इतना ही कहा था कि दिया जी उनको अपने से दूर करके कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो ना कबीर, प्लीज कहिए ना, ये सब झूठ है, हमारा बच्चा जिंदा है ना, कुछ तो कहिए ना। इतना कहकर वो कबीर जी के गले लगकर रोने लगती है। वैसे जब वो पेट के बल गिरी थी तब कहीं ना कहीं उनको उस बात का एहसास हो गया था, पर वो उसे मानना नहीं चाहती थी। उनको अपने बागवान पर पूरा विश्वास था, वो इसके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, पर अभी जब उसने अपने पति की मुंह से सुना कि उनका बचा नहीं रहा तो वो इसे सही नहीं पा रही थी। वो रोते रोते कबीर जी के गले लगे हाइट ही बेहोश हो गई थी। दिया को बेहोश देखकर कबीर जी घबरा जाते हैं और जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर दिया सिंघानिया लो चेक करते हैं, उनको इंजेक्शन देकर रूम से बाहर आते हैं और कबीर सिंघानिया से कहते हैं, मैम को सदमा लगा है, इस वजह से वो बेहोश हो गई है, मैंने उनको नींद का इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में उनको होश आ जाएगा, जितना हो सके उनको खुश रखने की कोशिश करिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिया के पास अपने भाई को छोड़कर कबीर सिंघानिया अपने बेटे को लाने दूसरे वार्ड में चले जाते हैं। जब वो अपने बेटे को अपने हाथ में लेते हैं तो वो एक सफेद कोने में लिपटा हुआ था, जिसकी आंखें बंद थी, जो कि अब कभी भी नहीं खुलने वाली थी। अपने बेटे को देखकर उनकी आंखें नम हो जाती है और कब उनके आंसू उनके आंखों से निकलकर उस चौथे से बचे के चेहरे पर पद जाते हैं, जिसके बारे मैं उनको भी पता नहीं चलता। अपने बेटे के माथे पर किस करके वो उसको अपने सीने से लगा लेते हैं और उस वार्ड से बाहर निकलकर अपनी वाइफ को जहां पर रखा था उस वार्ड की तरफ चले जाते हैं। अपने बेटे को अंतिम निरूप देने से पहले वो उसे अपने वाइफ को दिखाना चाहते थे। ये उनके लिए और उनके वाइफ के लिए आसान नहीं था, पर दिया का भी हक था अपने बेटे को आखिरी बार देखने का। थोड़ी ही देर में दिया सिंघानिया को होश आ जाता है और उनको फिर से वो सब याद आता है, जिसे याद करके उनकी
आंखों से फर्ज आंसू बहने लगते हैं, तभी उनकी नजर अपने हॉस्पिटल रूम के डोर पर जाती है, जहां पर कबीर अपने हाथ में छोटे से बच्चे को पकड़े हुए थे, जिसे देख कर दिया की आंखों से आंसू पानी की तरह बेजेने लगते हैं। कबीर जी अपनी वाइफ के पास जाकर खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं, दिया हमारा बेटा आखिरी बार देख लो। वो बस इतना ही कह पाते हैं, आगे उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, उनकी आंखों से दो बूंद आंसू उनके चेहरे पर आ जाते हैं। दिव्या जी अपने कांपते हाथों से अपने बेटे को अपने गोद में लेती है और एक तक उसको चेहरे को देखने लगती है, जो कि उनकी और उनके पति की दोनों की कार्बन कॉपी था। उनकी आंखों से आंसू बहकर उस छोटे से बेबी के आंखों पर गिर जाते हैं। वो अपने बेटे को अपने फेंक से लगाकर रोने लगती है, अपने बच्चे के छोटे से चेहरे को देखकर उसको चूमने लगती है और कहती है, आई एम सॉरी माय बेबी, मम्मा आपका कुल ही नहीं रख पाई। इससे आगे वो बोल ही नहीं पा रही थी, वो बस रोए जा रही थी। उनको ऐसे देखकर कबीर जी भी बेहद इमोशनल हो गए थे, वो उन दोनों की हग करके रोने लगते हैं। तभी उनके रूम का डोर ओपन होता है और रूम में दो लोग एंटर करते हैं, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि कबीर जी के सबसे अच्छे दोस्त नवीन आहूजा और उनकी पत्नी सिया आहूजा थे। दोनों ही वार्ड के अंदर एंटर कर दिया और कबीर की हालत देखकर दोनों की आंखें नम हो जाती है। वो उन दोनों के दर्द को अच्छे तरह से समझ रहे थे। सिया आहूजा दिया के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखकर सहलाने लगती है, उनकी आंखें से भी इस वक्त आंसू बह रहे थे। वही दिया को जब अपने आसपास किसी का एहसास होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखती है तो उनको अपने सामने सिया दिखती है, जो कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उनको देखकर दिया उनके गले लगकर रोने लगती है और कहती है, देखो ना सिया, मेरा बच्चा मुझे चोद कर चला गया, मैंने तो अभी उसे जी भर के देखा भी नहीं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतना कहकर वो दिया के गाजर लगकर रोने लगती है। सिया जी उनको संभल रही थी, वही नमन आहूजा ने कबीर को संभल लिया था। सिया आहूजा भी इस वक्त प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, वो दिया को संभल रही थी। तभी उनकी नजर उस छोटे से बच्चे पर उड़ी, जिसकी सांस थम चुकी थी। उस बच्चे को देखकर सिया जी के पेट में अजीब सा दर्द होने लगा, जिससे वो अपने पेट को पकड़कर बेड पर बैठ जाती है और दिया जी के गोद से उस बच्चे को अपने गोद में लेती है। पता नहीं ऐसा क्या था कि उनके गोद में आते ही उस छोटे से बच्चे की सांसें जो ठान चुकी थी, अचानक उसकी सांसें वापस चलने लगती है, जिस पर पहले तो किसी का ध्यान नहीं जाता। पर सिया जी के पेट के अंदर जो बच्चा था, वो जब उनको किक मारता है, उस किक को उनके गोद में लिया हुआ बच्चा महसूस करता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। बच्चे की हाड़ी की आवाज सुनकर एक पल के लिए तो इस रूम में मौजूद सभी शोक हो जाते हैं, उनके कुछ समझ में ही नहीं आता। पर जब उनका ध्यान दिया के गोद में अपनी प्यारी नीली आंखें खोलकर हंस रहे छोटे से बच्चे पर जाती है तो सब अपनी जगह और जम जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास हो नहीं हो रहा था। दिया को अपने होश में आकर अपने बेटे की तरफ देखती है, जो कि थोड़ी देर पहले उनके आस था, तब उसकी सांस थम चुकी थी, पर अब वो सिया के गोद में था, उसकी सांस चल रही थी और वो हंस रहा था, और ऊपर से उसकी वो प्यारी सी नीली आंखें एक तक सिया जी के पर को टुकुर टुकुर गुर रही थी। कबीर जी अपने बेटे को जिंदा देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उस बच्चे का चेकअप करने के लिए जैसे ही उसकी बेड पर लिटाते हैं तो कि बच्चा थोड़ी देर पहले हंस रहा था, वो जोर जोर से रोने लगता है और डॉक्टर की तरफ अपनी मिली आंखों से गुर कर देखता है, जिसे देखकर एक पल के लिए तो डॉक्टर भी डर जाते हैं। उनको अपने एक और ही विषय नहीं हो रहा था, एक छोटा सा बच्चा उनका अपनी आंखें से ही डरने पर मजबूर कर सकता है। वही अपने बेटे को रोते देखकर दिया जल्दी ही अपने बेटे के पास जाकर उसका सर सहलाने लगती है और गुर कर डॉक्टर की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो मेरे बेटे को फिर से रुलाया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। वही वो छोटा सा बच्चा अपने मॉम के स्पर्श से शांत हो जाता है और अपनी मॉम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। वही बेचारा डॉक्टर तो दोनों माँ बेटे के आंखों की वार्निंग को समझकर ही डर रहा था। डरते डरते वो उस बच्चे
को चेक करता है, उसको खुद अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बच्चे की सांसें थम चुकी थी वो उनके से जिंदा था, उसकी सांस वापस लौट आई थी, ये कोई मिराल से कम नहीं था। छोटे बेबी को चेक करके वो मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर सिंघानिया आपका बेबी एकदम ठीक है, ये किसी मिराकले से कम नहीं है। मैंने अपने लाइफ में ऐसा केस पहली बार देखा है, वैसे देखा जाए तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर उस रूम से बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर शर्मा छोटे से बेबी को चेक करके उस वार्ड से बाहर चले जाते हैं। मिस्टर सिंघानिया और दिया सिंघानिया दोनों ही अपने बेटे को जिंदा देखकर बेहद खुश थे। इस वक्त वो बेबी बॉय दिया सिंघानिया के गोद में था, पर उसकी नजरें सिया जी के पेट की तरफ थी। वो उनके पेट को ही एक तक देख रहा था और हल्का मुस्करा रहा था। वही उसके ऐसे सिया जी के पेट को देखने से सिया जी को अपने पेट में अपने अजन्मे बच्चे की हल्की सी मोमेंट का एहसास हो रहा था, जिस वो अपने पर हाथ रख देती है। वही उनका ऐसा करते देख नमन आहूजा जल्दी से अपनी वाइफ सिया की तरफ जाकर उनसे पूछते हैं, दिया क्या हुआ, पर मैं दर्द हो रहा है क्या, चलो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सिया जी अपने पति का हाथ पकड़कर उनको रोकते हुए कहती है, नवीन नहीं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उनकी बात सुनकर नवीन आहूजा उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो तो तुम पेट को क्या पकड़ कर बैठी हो, अगर दर्द हो रहा है तो चलो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, मैं तुम्हारे और बेबी के शहद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। वही नमन की बात सुनकर कबीर सिंघानिया भी सिया से कहते हैं, हाँ सिया नवीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आपको दर्द हो रहा तो हमको डॉक्टर को दिखाना होगा, और आप बोल रही है कि आपके पेट में हमारे खानदान की बहू है, मेरे बेटे की पत्नी। उनकी बात सुनकर दिया जी उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों पहले मेरी बात सुन तो लो, मैं क्या कहना चाहती हूँ उससे पहले ही शुरू हो जाते हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो तो बेबी मोमेंट कर रहा है, और आपको पता है बेबी ने मुझे थोड़ी देर पहले किक भी मारी थी। उनकी बात सुनकर नवीन और कबीर राहत की सांस लेते हैं। नवीन जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वो सिया के पेट पर हाथ रखकर कहते हैं, सिया तुम सच कह रही हो, हमारी प्रिंसेस ने किक मारी और आपको उनकी मूवमेंट भी महसूस जो रही है। उनकी बात पे सिया जी अपना सरहा में हिला देते हैं और वो नवीन जी और कबीर दोनों की तरफ देखकर कहती गई, और ये आप दोनों क्या कह रहे हो, आपको दोनों क्या पता कि प्रिंसेस ही है, प्रिंस भी तो हो सकता है। सिया की बातें सुनकर कबीर और नवीन के कुछ कहने से पहले ही दिया जी जो अपने बेटे को एक तक निहार रही थी और उनकी नजरों ने अपने बेटे के नजरों का पीछा भी कर लिया था, जो कि एक तक सिया जी के फूले हुए पेट को देख रहा था, जिसे देखकर वो हल्का सा मुस्करा देती है और सिया की बातें सुनकर उससे कहती है, सिया आपको बेटी ही होगी, देखिए हमें बेटा हुआ है तो आपको बेटी ही होगी, और देखो तो हमारे प्रिंस की नजर आपके पेट पर ही है, कैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, इनको भी पता चल गया है कि आपके पेट के अंदर प्रिंसेस ही है, क्योंकि हमारी अमानत है। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सबका ध्यान उस छोटे से बेबी बॉय की तरफ जाता है, को कि अपनी प्यारी नीली आंखों से टुकुर टुकुर सिया जी के पेट की तरफ देख रहा था और अपना एक हाथ उस तरफ बढ़ा रहा था, जिसे देखकर सबके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। कबीर सिंघानिया अपने जिगरी यार की तरफ देखकर कहते हैं, नवीन हमारे बच्चे हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे, और देखो अभी तक हजारी प्रिंसेस आई ही नहीं और पहले से ही ये महाशय कैसे अपनी सासू माँ के पेट की तरफ देख रहे थे, इनको पहले ही पता चल गया कि उनकी हमसफर जल्द ही आने वाली है। नवीन जी अपने दोस्त की बातें सुनकर कहते हैं, हाँ बात तो तुमने सही कही है, कबीर और बेस भी अभी प्रिंसेस को आने में पूरे 2 महीने है। दिया अपने बेटे को सिया की गोद में दे देती है और वो छोटा सा बेबी सिया जी के गोद में आते हैं, उनके पेट को हाथ लगाकर चुने लगता है और उसके ऐसा करने पर दिया जी के पेट में जो बेबी था वो किक मरने लगता है, जिससे
उनको हल्का सा मीठा सा दर्द होता है जिससे उनका एक हाथ उनके पर चला जाता है। उनके चेहरे पर एक बेहद बड़ी स्माइल थी। वो दिया कबीर और अपने पति नवीन आहूजा की तरफ देखकर कहती गई, लगता है आप लोग सही कह रहे हो। देखो बेबी ने मेरे पेट को छूते ही अंदर से हमारी प्रिंसेस ने किक मारा। उसकी बातें संकट नवीन जी अपनी वाइफ के पास आकर कहते हैं, सच में सिया सिया। हाँ, मैं अपने सर हिलाकर उनका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख देती है। नवीन जी को भी उनकी प्रिंसेस का किक महसूस होता है जिससे उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। 2 दिन तेज ही हॉस्पिटल में हाड़ी खुशी निकल जाते हैं। सिया जी दिया जी के साथ ही हॉस्पिटल में थी। आज दिया जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। आज वो पूरे 3 दिन बाद अपने घर जाने के लिए लगी एक्साइटेड थी, पर उनकी सेफ्टी को लेकर उनका इस वक्त सिंघानिया मेंशन न जाकर आहूजा मेंशन जाना ही ज्यादा सेफ था। ऐसा क्यों, ये आप सब लोगों को कहानी में आगे पता चल जाएगा। इसलिए कबीर सिंघानिया के साथ दिया अपने बेटे को लेकर सिया और नवीन आहूजा के साथ आहूजा मेंशन जाए वाली थी। वही सभी बेहद एक्साइटेड थे। कुछ ही समय हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद सभी आहूजा मेंशन की तरफ चल पड़े थे। नई कहानी शुरू हो गई थी। पिछले जन्म में अपने अधूरे रह चुके प्यार को कंप्लीट करने के लिए एक ने तो दोबारा जन्म ले लिया था और दूसरा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला था, और भगवान ने इस बार उन दोनों की ही किस्मत एक साथ लिखी थी। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े थे। दोनों की ही सांसों की डोर एक दूसरे बंधी हुई थी। पर क्या इस नए जन्म में उन दोनों का प्यार पूरा होगा या फिर पहले जन्म की तरह ही अधूरा रहने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताने वाला था। सो फ्रेंड्स, आगे अयाना और अयान इस जन्म में आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए कहानी का अगला पार्ट। अयान ने तो दूसरा जन्म के लिया था, अब बारी थी तो बस अयाना की और उसके बीडी शुरू होने वाली इन दोनों की खूबसूरत प्रेम कहानी की। कबीर सिंघानिया, उनकी पत्नी दिया सिंघानिया और उनका बेबी जो कि बस अभी 4 दिन का था, उनके साथ ही नवीन आहूजा, कबीर सिंघानिया के दोस्त, और उनकी पत्नी सिया आहूजा जो कि दिया जी की अच्छी दोस्त है, सभी इस वक्त एक ब्लैक मर्सिडीज में बैठकर आहूजा मेंशन की तरफ जा रहे थे, और उनकी कर के आगे और पीछे 3 बॉडीगार्ड की कार चल रही थी जो कि उनके सेफ्टी के लिए थी। कुछ ही समय में वो सब आहूजा मेंशन के बाहर पहुंच जाते हैं। आहूजा मेंशन किसी महल से कम नहीं था। वो एक जीते जागता बेहद ही खूबसूरती से बनाया हुआ मॉडर्न 4 मंजिला महल था जो कि पूरा व्हाइट और गोल्डन कलर में था। आहूजा मेंशन के बाहर बेहद ही खूबसूरत गार्डन बनाया था जिसमें बेहद ही खूबसूरत पौधे थे। पूरा आहूजा मेंशन के बाउंड्री के पास चेरी के पेड़ लगाए थे जो कि पूरे मेंशन को एक अलग ही लुक दे रहा था। नमन और सिया आहूजा, दिया छोटे बेबी और कबीर का आहूजा मेंशन में बेहद ही खूबसूरती के साथ वेलकम करते हैं। अंदर से पूरे आहूजा मेंशन को बेहद ही खूबसूरती से बलून और फूलों के साथ डेकोरेट किया गया था। छोटा बेबी अपने आसपास टुकुर टुकुर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर जब वो सिया जी के आस पास होता था और उसकी नजर उनके पेट पर चली जाती तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती थी। ये बात सब धीरे धीरे सभी नोटिस कर रहे थे। दिया और कबीर सिंघानिया की आहूजा मेंशन में आए हुए कब 2 महीने हुए पता ही नहीं चला। इस दौरान सभी को इस बात का एहसास हो गया था कि वो छोटा बेबी सियाजी और नवीन के आने वाले संतान से बेहद कनेक्टेड हो गया था। ऐसा लग रहा था उन दोनों का एक दूसरे के साथ अलग सा ही कनेक्शन था। वक्त धीरे धीरे हंसी खुशी बीत रहा था और आज वो दिन भी आ गया था जिस दिन अयान की अयाना इस दुनिया में आने वाली थी। अयान ने तो पहले ही जन्म ले लिया था, वो भी कबीर और दिया सिंघानिया के घर, और अब अयाना इस दुनिया में आने वाली थी जिससे छोटा बेबी यानी कि अयान बेहद ही खुश था। उसकी खुशी उसी चेहरे से पता चल रही थी। आज उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। अपने प्यार से मिलने की था तो वो सिर्फ 2 महीने का बच्चा, पर वो पिछले जन्म में पूरे 28 साल का था। भले ही वो अभी एक बच्चा था, पर उसके साथ 28 साल का अनुभव था। वो पिछले जन्म में 28 साल तक जिया था।
अयान को तो अपने पुराने जन्म के बारे में सब कुछ याद था, पर क्या अयाना को भी याद होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। दिया और कबीर सिंघानिया और उनकी गोद में 2 साल का नन्ना अयान और नवीन आहूजा इस वक्त ओटी के बाहर खड़े थे और उन सबकी नजरें ओटी रूम के डोर पर थी। सबके कानों में सिया जी चीखे सुनाई दे रही थी, किससे नवीन जी और भी घबरा रहे थे। कबीर जी उनके कंधे और हाथ रखकर उनसे कहते हैं, नवीन रिलैक्स, देखना सब ठीक होगा और कुछ ही वक्त में हमारी प्रिंसेस हमारे ऐसा होगी, भगवान पर भरोसा रख। कबीर की बात सुनकर नवीन जी थोड़े शांत हो जाते हैं और कबीर की तरफ अपनी देखकर कहते हैं, तुम सच कह रहे हो ना प्रिंसेस और सिया दोनों सही सलामत हो गए ना? उसकी बात पर कबीर हाँ मैं सर हिला देता है, क्योंकि उसका भी दिया की डिलीवरी के टाइम कुछ यही हाल था। ये वक्त ही ऐसा होता है, वही बाहर का माहौल अचानक से बदलने लगता है। बाहर अचानक बेहद तेजी से हवाएं चलने कही और उसी के साथ बारिश हो रही थी, जिससे हॉस्पिटल की खिड़कियां खुली होने के कारण पजीली बारिश की बूंद जमीन पर पड़ने के कारण मिट्टी की खुशबू आ रही थी, जिससे पूरा वातावरण बेहद ही खूबसूरत हो गया था। ही तरफ एक अलग ही पॉजिटिव ऊर्जा फैली हुई थी। प्रकृति का आज एक बेहद ही खूबसूरत रूप सबके सामने दिखाई दे रहा था। हल्की सी बारिश हो रही थी, उसी के साथ गर्मी से राहत देती हल्की सी ठंडी हवाएं चल रही थी और ऊपर से मिट्टी की खुशबू से पूरा वातावरण महक गया था। साथ में नीले आसमान में बेहद जी खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था, जो कि एक तरह से शुभता का प्रतीक माना जाता था। और ये इंद्रधनुष को आम इंद्रधनुष नहीं था, ये बेहद ही खास था। इंद्रधनुष तभी दिखाई देता था जब कोई अच्छी घटना घड़ी हो या कुछ अच्छा होने वाला हो, और उसी के साथ ये अलौकिक इंद्रधनुष कई हजारों सालों में एक ही बार दिखाई देता है, जो भी किसी खास उद्देश्य पर। और आज वो इंद्रधनुष हॉस्पिटल के ऊपर दिखाई दे रहा था और उस इंद्रधनुष से हल्की सी सप्तरंग की रोशनी निकल रही थी और वो सीधा सिया जी की जहां डिलीवरी हो रही थी उस रूम के अंदर पड़ती है, सीधा सिया जी के पर के ऊपर। और ऐसा होते ही उस पूरे रूम में एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर सियाजी आंखों से 2 बूंद आंसू उनके गाल पर आ जाते हैं और थकान और दर्द के कारण उनकी आंखें बंद हो जाती है। वही ओटी के बाहर परेशानी में बैठे लोगों के कान में जब बच्चे की रोने की आवाज आती है तो सबके चेहरे पर लंबी सी मुस्कान खिल जाती है। और सबसे ज्यादा जो खुश था वो हमारा छोटा सा अयान, जिसके चेहरे पर एक बेहद ही प्यारी मुस्कान थी और उसकी नजरें जिस रूम में सिया जी थी उस रूम को टुकुर टुकुर देख रहा था। वही वहां का माहौल बेहद ही खुशनुमा था। एक तरफ प्रकृति अयाना का जन्म पर खुशियां बिखेर रही थी, वही दूसरी तरफ अभी उस छोटी सी बच्ची ने जन्म ही लिया था कि दूसरी तरफ उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी, जिससे बे खबर नवीन आहूजा अपने बेटी के जन्म की खुशियां मना रहा था। वही दूसरी तरफ मुंबई से दूर राजस्थान में एक बेहद ही बड़े और पुश्तैनी महल के अंदर 2 लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वो दोनों की किस रूम में बातें कर रहे थे, अचानक एक झटके के साथ उस रूम का डोर खुल जाता है और उस रूम के अंदर एक इंसान एंटर करता है, जिसका ओरा बेहद ही डरावना था। वो आदमी किसी राजा की तरह चलकर उस रूम में मौजूद किंग साइज चेयर पर आकर बैठ जाता है। उस इंसान के इस रूम के अंदर एंटर करते ही जो 2 लोग बातें कर रहे थे वो एकदम शांत हो जाते हैं और उसके अंदर आते ही वो दोनों डर से कांपने लगते हैं। जहां एक तरफ अयाना ने अपने अधूरे प्यार को प्यार करने के लिए नया जन्म ले लिया था, उसके जन्म से प्रकृति खुशियां मना रही थी, वही उसी के जन्म के साथ यज्ञ खिलाओ साजिशें भी बनी शुरू हो गई थी। मुंबई से दूर राजस्थान में एक बेहद ही बड़ी पुश्तैनी हवेली, जिसके पर बड़े ही शब्दों में किंग पैलेस नाम किसी हीरे की तरह चमक रहा था। उस बड़ी सी हवेली के अंदर एक कमरे में जहां और 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे, वो दोनों ही किसी के आने का वेट कर रहे थे। वो दोनों बातें करते वक्त भी उनकी नजरें उस कमरे के डोर पर टिकी हुई थी। कुछ ही समय में उस कमरे का डोर ओपन होता है और उस कमरे में एक इंसान एंटर करता है। उसका ओरा बेहद खतरनाक
था। उस शख्स ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था, एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी, दूसरे हाथ में सोने का कड़ा, पैरों में ब्रांडेड सूट, सर से लेकर पैर तक अमीरी झलक रही थी। वो शख्स किसी राजा की तरह उस कमरे में एंटर करता है और उस कमरे में मौजूद किंग चेयर पर बैठ जाता है। उसका एक हाथ उस चेयर के आर्म रेस्ट पर था। वो किसी राजा की तरह उस चेयर पर बैठा तब और उसकी चील जैसी आंखें अपने सामने खड़े दो लोगों पर थी जो कि उसको अपने सामने देखकर ही डर से कांप रहे थे। उनको ऐसे देखकर उस शख्स के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है, पर अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो जाते हैं। वो अपने सामने खड़े इन दो लोगों की तरफ अपनी सख्त नजरों से घूरते हुए उनसे अपनी सर्द आवाज में कहता है, कुछ पता चला? अपने मालिक की बातें सुनकर वो दोनों अपने होश में आते हैं और अपने डर पर काबू करके उन दोनों में से एक उस आदमी के आगे अपना सर झुका कर कहता है, मालिक छोटे साहिब इस वक्त मुंबई में है, उनने शादी कर ली है और वो अभी एक कंपनी के ओनर है जो कि इंडिया में टॉप 5 में आती है। छोटे साहिब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है वो सारी इस फाइल में है। ये कहकर वो आदमी चुप हो जाता है। उसकी बातें सुनकर उसके सामने बैठे शख्स के चेहरे के एक्सप्रेशन में कुछ भी बदल नहीं हुआ। वो शख्स पहले की तरह ही एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उसको घूर रहा था। वो शख्स जो बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था वो बिना किसी एक्सप्रेशन से उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब टेबल और रखो और रूम से बाहर जाओ। उसकी बात सुनकर दोनों ही उसके सामने सर झुकाते हैं और उस रूम से बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के उस रूम से बाहर निकलते ही वो शख्स अपने फोन से किसी मैसेज टाइप करके सेंड कर देता है। उसके बाद वो शख्स अपने सामने रखी उस फाइल को अपने हाथ में लेता है और उसको ओपन करके उसको पढ़ने लगता है। जैसे से वो उस गोले में दी हुई इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था वैसे उस शख्स के चेहरे पर मुस्कान आती का रही थी। अगर अभी उस रूम से गए हुए उन दो लोगों ने उसकी मुस्कान देखी होती तो दोनों को गहरा सदमा लगता, क्योंकि उनके सामने बैठा हुआ वो शख्स के चेहरे पर कभी भी किसी है हल्की सी भी मुस्कान नहीं देखी थी। वो हमेशा एक्सप्रेशन लेस ही रहता था, खासकर तब से जब से वो अपने छोटे भाई से अलग हो गए थे जिससे वो बेहद प्यार करते थे। वही वो शख्स इस फाइल में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन पढ़कर उस फाइल को साइड में रख देता है और फिर अपना फोन निकाल कर किसी को फोन करता है और कहता है, जॉन मुंबई जाने की तैयारी करो, हम आज रात को मुंबई जा रहे हैं, बाकी की सारे अरेंजमेंट करो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। इतना कहकर वो शख्स अपना फोन रख देता है और उस रूम के खिड़की पास जाकर खड़ा हो जाता है और खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर मैंने तुमको ढूंढ ही लिया छोटे, मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। इस बार हम दोनों को कोई अलग नहीं करेगा, जो भी हमारे बीच आएगा उसको इस दुनिया से जाना होगा। दूसरी तरफ मुंबई सिटी हॉस्पिटल सियाजी और न्यूबॉर्न प्रिंसेस को वीआईपी वार्ड में साइट किया जा चुका था। सब कुछ नॉर्मल था। इस वक्त उस वीआईपी वार्ड में सियाजी बेड पर लेटी हुई थी, उनके पास ही दिया सिंघानिया बैठी थी और दोनों की जी नजरें उनसे कुछ ही दूरी और रखे पालने पर थी जिसमें अयान और अयाना दोनों को रखा था। कि हमारी प्रिंसेस अयाना आराम से सो रही थी, वही हमारे प्रिंस अपनी प्रिंसेस को निहार रहे थे और मुस्करा रहे थे। उन दोनों को देख दिया और दिया जी दोनों के चेहरे मुस्कान थी। वही उनसे कुछ दूरी पर बैठे कबीर और नवीन सिंघानिया के भी चेहरे पर सामने का सीन देखकर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। दिया सिंघानिया सिया से कहती है, दिया देखी तो अयान अब से ही प्रिंसेस को कैसे देख रहा है? वैसे कुछ भी कहो, आज मैं बेहद खुश हूँ, आखिर आज हमारे घर में एक प्यारी सी परी को आ गई है जो कि हमारे रिश्ते को और भी मजबूत करेगी। दिया जी की बात सुनकर सिया अपना सर हा में हिलाती है। वही नवीन जी कहते हैं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही कही भाभी जी, हम दोनों जो अपने दोस्ती के रास्ते की ओर भी ज्यादा पक्का करना चाहते थे और अब तो कबीर को बेटा हुआ है और हमें बेटी, और वैसे भी महागुरु ने पहले ही इन दोनों बच्चों की कुंडली निकली थी जिसमें साफ लिखा
था कि दोनों एक दूंजे के लिए ही इस धरती पर आए हैं। दोनों को ही इस जन्म में कोई भी एक दूसरे अलग नहीं कर सकता है। नवीन जी की बातें सुनकर सबको महागुरु की बातें याद आती हैं। जब सिया जी और दिया दोनों ही प्रेग्नेंट थी तब वो दोनों शिव मंदिर में आने वाले बच्चे के लिए पूजा करने चली गई थी। तब वहां पर महागुरु भी आए थे जो कि साल में एक बार ही महादेव शिव के उस मंदिर में आते थे। उन्हें ही इन दोनों बच्चे के जन्म से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी दोनों एक दूसरे के हमसफर है। और उनकी बातें सुनकर सिया नवीन दिया और कबीर चारों के चेहरे पर न बया करने वाली खुशी थी। आखिर उनकी इतने सालों पुरानी दोस्ती जो रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। और एक बात वो ये भी जानते थे कि आज तक महागुरु के मुंह से निकली कोई भी बात झूठी साबित नहीं हुई थी। उनके मुंह से निकल गए एक शब्द सही हुआ था। वही सिंघानिया मेंशन का माहौल इस वक्त बेहद ही तनावपूर्ण था। सिंघानिया मेंशन के स्टडी रूम में इस वक्त 5 लोग बैठे हुए थे जो कि किसी गहरे विषय में चर्चा कर रहे थे और कोई प्लान बना रहे थे जो कि आने वाले समय में बेहद ही खतरनाक साबित होने वाला था। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ इन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।